हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टैप टू क्रैक। कैसे हैं आप सब? एक बार जल्दी से हमारे सब छात्र हमारे साथ यहाँ पे। एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों का CAPF का एग्जाम है अभी, है ना? तो आप लोगों का वो जो एग्जाम है उसके लिए आपकी तैयारी तो पूरी देख लेते हैं जरा, आप लोग कैसी तैयारी करके। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी था। आप लोग कह रहे थे कि मैम इसमें तो इन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो हलवा क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, है ना? तो लिटरली कुछ ऐसा ही है ना? तो आप लोगों को जब पता लगी तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अब अपने प्रैक्टिस, ठीक है? तो एक बार जितने भी सभी प्यारे छात्र हैं सभी क्लास को शेयर करेंगे, और शेयर करने के साथ साथ क्लास में बाकी बच्चों को भी बुला लेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ, क्लास स्टार्ट हो गई है आप लोगों की। तो हर्ष, ओके, बाकी बच्चों को भी बुला लो बेटा। गुड आफ्टरनून। चलिए तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है, टू रिएक्टेंट्स इन अ फ्लास्क एट अ रूम टेम्परेचर आर प्रोड्यूसिंग बबल्स ऑफ अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। अ रिएक्टेंट्स कुड बी कमरे के तापमान, रूम टेम्परेचर, ठीक है? उस तापमान पर एक फ्लास्क के अंदर आपने क्या रखा है, फ्लास्क के अंदर आप लोगों ने तो कुछ रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कर, उसकी वजह से इस फ्लास्क में से की वजह से इस फ्लास्क में से क्या हो, तो गैस रिलीज, ठीक है? और वो जो गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे वो कौन सी है बेटा, वह गैस है ऐसी वो जब हमने लाइम वाटर से पास कराया, ठीक है? लाइम वाटर क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। तो जब हम इसे लाइम वाटर से पास कराते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ये जो लाइम वाटर है ये हो जाएगा मिल्की। क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अब जैसे ये लाइम वाटर मिल्की हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही होगी, तो गैस है जो क्या कर रही है, जो लाइम वाटर को मिल्की कर रही है, कौन सी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है, CO2 गैस हो जाती है। तो अब आप खुद सोचो, इन जो भी हमको यहाँ पे कंपोनेंट्स दे रखे हैं इनमें से कौन से कंपोनेंट से हमको CO2 गैस मिल सकती है, जब हम इसकी बात करते हैं हमको क्या दिखाई देगा, ओके बी ऑप्शन लग रहा है। ओके मैम ये क्लास रोज होगा बेटा, अभी तो CAPF के लिए आपकी एवरी सैटरडे मैराथन होगी, इसके साथ साथ संडे में कल जो होगा ना, कल आप लोगों का जो बाकी GS का सब्जेक्ट है उसका आपका हो रहेगा, प्रैक्टिस सेशन रहेगा सुबह 9 बजे से, ठीक है रामेंद्र से। इसके अलावा आज रात को 9 बजे CDS वाले बच्चों के लिए बढ़िया एकदम सेशन लेके आ रहे हैं सर, और कल रात को 9 बजे, संडे रात को 9 बजे मेरा सेशन होगा जहाँ पे आप लोग साइंस के क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर करना स्टार्ट करो, ओके? तो यहाँ पे देखो, जिंक और HCl, सोचो जब जिंक का रिएक्शन आपने HCl के साथ कराया तो क्या हो जाएगा, जब आप जिंक का रिएक्शन HCl के साथ करा रहे हो बेटे तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, ZnCl2 बन जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, लेकिन इससे तो बबल्स नहीं बनेंगे। दूसरा देखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, ठीक है, MgCO3 का आपने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा प्लस H2O बनता है और साथ साथ रिलीज होगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे यहाँ पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला हमको समझ में आ गया कि यही आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। मीथेन एंड ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये बर्निंग ऑफ मीथेन हो जाता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, CH4 को जब आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे CO2 प्लस H2O बना, ठीक है? लास्ट देखिए, कॉपर प्लस HCl, और जब आप कॉपर का HCl के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये क्या बनता है, CuCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा, वेरी गुड प्रिया, बहुत बढ़िया संतोष, ओके हर्ष, वेरी गुड। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, हम लोगों ने आंसर मार्क कर लिया है, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, द रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिएक्टेंट्स विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बताइए निम्नलिखित में से किन दो अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। हाइड्रोजन गैस किनके बीच में आपकी होती है, कहाँ से प्रोड्यूस होगी? देखो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जब भी कोई भी मेटल, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, जब भी कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और उसके साथ साथ आपका मेटलिक सॉल्ट बनता है,
क्या बनेगा बेटा, मेटेलिक सॉल्ट यहाँ पे हमको मिल जाएगा। तो मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हमको रिलीज होती हुई दिखाई देती है। अच्छा तो मैम यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ मैग्नीशियम का रिएक्शन HCl के साथ हुआ है, कॉपर का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि खुद एक सॉल्ट है उसको HCl के साथ रिएक्ट कराया है, और जिंक को नाइट्रिक एसिड के साथ। तो मैम अगर हम देखें ए बी और डी, इन तीनों में ही हम क्या देख रहे हैं, एक मेटल का रिएक्शन देख रहे हैं किसके साथ, एक मेटल का रिएक्शन देख रहे हैं एसिड के साथ। तो मैम इसका मतलब इन तीनों में हाइड्रोजन बनना चाहिए? नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका मैग्नीशियम रिएक्ट करता है HCl के साथ तो यहाँ MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आप बच्चे आंसर कर रहे हो सबका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, अच्छा लेकिन मैम बाकी वाले ऑप्शंस का क्या, बाकी वाले ऑप्शंस जो हैं उनके अंदर क्या चीज हमें देखने को पड़ेगी? तो आप क्या देखोगे कि मैम जब भी हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ किसी भी मेटल का रिएक्शन कराते हैं ना, तो वहां पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकल। ठीक है, अगर हम किसी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहां पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, वहां पे वाटर और नाइट्रेट्स निकलते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, जब आपका कॉपर जो होगा ये रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जब इसने यहाँ पे रिएक्शन किया तो ये बनाएगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या बच गया यहाँ पे, और बच गया बेटा यहाँ पे वाटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में आप कहीं पे भी हाइड्रोजन गैस नहीं देख पा रहे हो। इधर देखिएगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन होता है CaCO3 का रिएक्शन होता है HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, CaCl2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हुई है। और लास्ट देखिएगा बेटा, जिंक और नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, आप डाइल्यूट के साथ करोगे तो आपकी अलग गैस रिलीज होगी, अगर आप कंसंट्रेटेड के साथ करोगे तो अलग गैस रिलीज होगी। देख लेते हैं, मैं जरा नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ इसको, कि जब आप जिंक को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे कंसंट्रेटेड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों का जिंक नाइट्रेट के साथ वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होते हुए दिखाई देगी। ठीक है, अच्छा अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि मैम अगर इसकी जगह हम लोग यहाँ पे इसको डाइल्यूट के साथ रिलीज करते तब भी बेटा कॉम्पोनेंट से ही बनते। ठीक है, बस इनके मात्रा में फर्क। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके रिएक्शन से हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। एंड ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को ध्यान रखना है इसको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। इफ टू मिसेबल लिक्विड्स ऑफ सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट डेंसिटीज पी वन एंड पी टू आर मिक्सड, हमने क्या किया, हमने दो मिसेबल लिक्विड्स लिए, मिसेबल मतलब जो आपस में घुल जाते हैं। ठीक है, उनका सेम वॉल्यूम है। ठीक है, दोनों जैसे हमने एक ये पी वन लिया, पी वन डेंसिटी का, एक वॉल्यूम V का हमने एक लिक्विड लिया है, दूसरा हमने P2 डेंसिटी का, एक वॉल्यूम V का हमने एक लिक्विड लिया है। ठीक है, तो अब हमको इनका डेंसिटी का जो मिक्सचर बताना है, मिक्सचर का जो डेंसिटी बताना है वो कितना, इनमें से कौन से फॉर्मूले से वो बताया जा, चलो बताओ इनमें से कौन से फॉर्मूले से वो बताया जा सकता है। अब देखो, हमें पता है कि हमने यहाँ पे जो दो अलग अलग लिक्विड्स लिए हैं यहाँ, तो हमको पता है मास इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास क्या होता है, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम होता है ना? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको यहाँ पे जो डेंसिटी है एवरेज, उसका फॉर्मूला निकालना है। तो एवरेज डेंसिटी में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बेटा वॉल्यूम सेम है। अगर वॉल्यूम सेम है
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो भी चेंजेस हमको दिख रहा है वो सिर्फ वॉल्यूम में दिख रहा है और सॉरी डेंसिटी में दिख रहा है। तो यहाँ पे एवरेज डेंसिटी क्या होगी, दोनों चीजों को आपने मिला दिया, दोनों चीजों को आपस में मिलाने की वजह से जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, पी वन पी टू का एवरेज हो जाएगी। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे क्या कि डेंसिटी एवरेज क्या हो जाएगी, पी वन प्लस पी टू अपॉन टू, एवरेज का फॉर्मूला बेसिक लगाओगे एंड इट विल बी डन। ठीक है संतोष, ओके हर्ष, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स, जल्दी से बताएंगे मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स कौन से होते हैं प्लांट्स के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका यूपीएससी के अंदर पूछा गया है। ओके वेरी गुड प्रिया, बाकी बच्चे भी एक बार जल्दी से यहाँ पे सही सही आंसर देना स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप लोग सही सही आंसर स्टार्ट करोगे ना देना, वैसे वैसे आपकी मैम को बहुत खुशी होगी। चलिए तो यहाँ पे देखिए, इनमें से कौन सा मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है प्लांट का, कौन अवशोषण करता है, रूट है लीफ है, रूट और लीफ दोनों है, रूट लीफ और बार्क है, आंसर कर दोगे। आप लोग कहेंगे कि मैम देखो जो भी रूट्स होती है ना वो क्या करती हैं, वो ये मिट्टी है हमारी, तो मिट्टी के नीचे से वाटर को, मिट्टी के नीचे से जो भी थोड़ी बहुत मात्रा में जो ऑक्सीजन है थोड़ी बहुत मात्रा में उसको, और मेजरली यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है इनको क्या कर रही है बेटा, इनको अवशोषित कर रही है। ठीक है, उनको एब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब रूट तो काम करती है। ठीक है नेक्स्ट देखिए, लीफ, लीफ की बात करते हैं, यहाँ पे पेड़ के ऊपर ये पत्तियां हैं, पत्तियां क्या करती हैं बेटा, तो आप क्या कह दोगे मैम ये जो पत्तियां हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये तो लीव्स भी इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रही हैं। ठीक बेटा, अच्छा बाग की बात करते हैं, अगर हम पेड़ की छाल की बात करते हैं, छाल ना काफ़ी मोटी होती है बेटा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लेंटल्स होते तब हम उस चीज़ को देख सकते थे, लेकिन बार्क जो होती है वो स्केलरन कायमा होती है, दृढ़ोत्तक होती है, और दृढ़ोत्तक की जो दीवार है वो इतनी मोटी होती है कि उससे अवशोषण आसान। ठीक है, और इसी वजह से जो रूट्स और लीव्स होते हैं यही क्या करते हैं बेटा, यही मुख्य अवशोषक अंग हो जाते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्रीन लीफ, बताइए इनमें से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। हरे पत्ते का प्राथमिक, बेटा जब भी हम हरे पत्ते के प्राथमिक कार्य की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हरा पत्ता करता क्या है, ये आपका जो हरा पत्ता होगा ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, और इधर यहाँ पानी से क्या आ रहा है, यहाँ नीचे से पानी आ रहा है, फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से वाटर को फोटोसिंथेसिस द्वारा, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या कर रहा है बेटा, ये उसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहा है, C6H12O6 में कन्वर्ट कर दे रहा है, साथ साथ रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन गैस। तो जब इस काम को कर रहा है बेटा तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि मैम यहाँ तो ये पूरी प्रक्रिया हमको होती हुई दिखाई दे, और अगर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन या फूड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन थी इस ऑक्सीजन को बाहर फेंकने का काम भी इसी लीफ का होता है ना, लीफ टोमेटा होते हैं जो रंध्र होते हैं वो इस कार्य को करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो लीफ होगी इसमें से ऑक्सीजन को भी बाहर फेंकने का कार्य इसी का हो जाता है। तो देखो मैन्युफैक्चर ऑफ फूड कर रहा है, इंटरचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर करता है क्या, इसके स्टोमेटा ऐसे खुल जाते हैं, जब खुलते हैं तो अंदर का जो पानी है ना वो भाप बन जाता है, और जब पानी अंदर का भाप बन जाएगा तो वो इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है जिसको आप ट्रांसपिरेशन कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो बेटा, ट्रांसपिरेशन कहते हो, यानी कि वाष्प उत्सर्जन कहते हो, वाष्प उत्सर्जन कहते हो। ठीक है, तो ये जो वाष्प उत्सर्जन होता है ये भी ये करता है, लेकिन अगर हम लास्ट देखें कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर तो ये काम किसका है बेटा, तो ये काम होता है जाइलम और फ्लोयम का। ठीक है, किसका कार्य है ये, जाइलम और फ्लोयम का ये कार्य होता है, दारू प्लस फ्लोयम पोषवा। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है बेटा, इनका कार्य होता है आपका जल और खाद्य पदार्थों का चालन। ठीक, तो इस हिसाब से आप लोगों ने डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
डिनोट्स अ ट्रू फ्रूट, बताइए इनमें से कौन सा एक सत्य फल है। सत्य फल बोले तो आपका, देखो जब भी प्लांट्स होते हैं, हम जानते हैं कि जो भी प्लांट होता है ना उसके अंदर जो आपका फ्लावर होता है, उस फ्लावर के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। और इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्लांट की लीफ हो गई, पेटल्स हो गए, ठीक है। पेटल्स के नीचे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन कलर के सेपल हो जाते हैं, सेपल हो जाता है। यहाँ पे डंठल जो होता है वो क्या हो जाता है, रिसेप्टल। ये कलर दिख भी रहे होंगे आप, दिख रहा होगा, ठीक है। तो सेपल हो गया और इसके अलावा रिसेप्टिकल हो गया, ठीक। और इधर ये आपके प्लांट की पंखुड़ी हो जाती है, क्या है, ये आपके प्लांट की पंखुड़ी, कोरोला, ठीक बेटा। तो ये जो प्लांट की पंखुड़ी हुई, ये सब चीजें आपको दिख, अच्छा ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाता है। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हो बेटा स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र आप इसको कह देते हो। इस वर्तिकाग्र के नीचे जो ट्यूब है इसको आप क्या कहते हो, स्टाइल कहते हो, क्या कहते हो, वर्तिका कहते हो। वर्तिका के नीचे जो आपको ये वाला पार्ट देखने को मिल रहा है इसको हम कहते हैं ओव्यू, ठीक है। क्या है ये, ओव्यूल्स। और ये जो पूरा का पूरा ओवरी है, अंडाशय है। अब आप देखिए जब भी क्या होगा, जब भी आपका फ्रूट इस कंप्लीट अंडाशय से बनता है और जो ओव्यूल्स है वो बीज बन जाते हैं, तब आपका एक फ्रूट ट्रू फ्रूट कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक ट्रू फ्रूट में क्या होगा, एक ट्रू फ्रूट के अंदर जो भी आपका फ्रूट होगा वह ओवरी से डेवलप होगा, ओवरी से बने, ठीक है। किससे बनेगा बेटा, ओवरी से ही बनेगा, तभी वो ट्रू फ्रूट है। तो व्हेन ओनली द थैलेमस ऑफ द फ्लावर ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू हर फ्रूट थ्रू, नहीं ये बात बिल्कुल गलत है, थैलेमस से अगर बनेगा तो वो फॉल्स फ्रूट हो जाता है, जैसे एप्पल, ठीक है। व्हेन ओनली द रिसेप्टिकल ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इन द फ्रूट, बिल्कुल गलत बात है ये भी। व्हेन फ्रूट ओरिजिनेट्स ओनली फ्रॉम द कैलिक्स ऑफ द फ्लावर, अगर कैलिक्स से यानी कि बाह्य दलपुंज से वो निकलेगा, जो सेपल्स वाला एक क्लस्टर होता है उससे निकलेगा, तब भी आपका वो ट्रू फ्रूट नहीं कहलाएगा। व्हेन ओनली द ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोज इनटू अ ट्रू फ्रूट, यानी कि जब ओवरी क्या हो जाती है, अंडाशय उसमें अंडे में कन्वर्ट हो जाती है, अंडाशय फल में विकसित होती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, तब हम उसको एक ट्रू फ्रूट कह देते, क्या कह देते हैं बेटा, ट्रू फ्रूट कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक्सेस वाटर एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ अ प्लांट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। और यहाँ पे ना एक बार क्लास को शेयर कर दो फटाफट से, मैं यहाँ देखती हूँ जरा कितने बालक हैं यहाँ पे। तो एक बार जल्दी से आ जाइए सभी। ओके ओके ओके, पिछले क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों ने सही दिया है, अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, क्या आंसर हो जाएगा बेटा। ओ देखो आपके जो प्लांट है, प्लांट की पत्तियों से ड्रॉप्स के माध्यम में, जैसे आपने देखा होगा अक्सर सुबह सुबह ना ओस की बूंदे पड़ी हुई होती है ना, तो वो जो ओस की बूंदे हैं वो क्या है, वो ड्रॉपलेट्स ही तो हैं। तो उन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जब आपका जो प्लांट है उसमें से पानी बाहर निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बेटा गटेश, क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है, गैशियस फॉर्म में बाहर निकलना, आपके रूप में जल बाहर निकल, ठीक है। तो भाप के रूप में जब आपका जल बाहर निकलता है प्लांट से, प्लांट की पत्तियों से, तो उसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दूसरा आ जाता है गटेशन। गटेशन क्या होता है कि जो आपका प्लांट होगा ना, प्लांट में जो पानी होगा वो बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको गटेशन कहा जाता है, बिंदु स्रावन कहा जाता है। सिक्रीशन और एक्सक्रीशन, बेटा एक्सक्रीशन नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने पेड़ की गोंद देखी होगी है ना, पेड़ की गोंद, तो वो जो पेड़ की गोंद है वो क्या है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो जाती है, कि वहां पे पेड़ के अंदर से वो चीज एक्सक्रीट आउट हो रही है बाहर निकल, पानी का भी मान सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना हमने एक अलग नाम दे रखा। इवन पता है जब आपका प्लांट जो है उसमें नीचे से पानी ऊपर जाता है तो इसको भी एसेंट ऑफ सैप कहते हैं,
है, कोई भी प्रोडक्ट जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है, कैपिलरी एक्शन। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, डीएनए वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एनालाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनिक मैक्रो मॉलिक्यूल बाय डैश इन 1869। बताइए 1869 के अंदर डीएनए को पहली बार अलग करने वाले, इसके साथ साथ उसको रिकॉग्नाइज करके एक यूनिक मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में बताने वाले कौन थे? एल्फ्रेड हर्शी थे, वॉटसन एंड क्रिक थे, फ्रेडरिक मिशर थे, या फिर ओसवर्ल्ड एवरी थे? अब देखो यहाँ पे बात समझिएगा कि हम डीएनए की जब भी हम बात करते हैं, ये जो डीएनए है ये हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा हुआ, ठीक है? ये हिस्टोन है, इस हिस्टोन के ऊपर क्या होगा बच्चे, इस हिस्टोन के ऊपर ये हमने डीएनए लपेट दिया, क्या हो जाता है, ये हो गया। ये आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और आपके आगे आने वाली पीढ़ियों को भेजता है। अब यहाँ पे जब भी हम अपने इसकी बात करते हैं, क्या बोलते हैं, जब भी हम अपने डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए की खोज करने वाले फ्रेडरिक मिशर थे, और डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने बताया था, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताने वाले कौन थे, तो वह अपने वॉटसन और क्रिक थे, और इनके साथ साथ रोजालिंड फ्रैंकलिन, और इसके अलावा किसने, और इसके अलावा आपके विल्किंस ने भी साथ दिया था, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द फॉर द फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज डायमंड। डायमंड के बारे में इनमें से कौन सा कथन, डायमंड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इट इज हार्डर देन ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट से हार्डर होता है क्या? बेटा देखो, जो ग्रेफाइट, जो कार्बन होता है ना डायमंड के अंदर, वो आपका टेट्रा मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन टेट्रा मॉलिक्यूल, यानी कि इसमें चार कार्बन आपस में जुड़े होंगे, एक पांच, मतलब यहाँ पे एक कार्बन अन्य चार कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ, तो उसके पास चार इलेक्ट्रॉन्स है ना शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे ये चार कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, और इनकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसकी वजह से एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और ये ना काफी हार्ड हो जाता है, ठीक है? तो ये क्या है, इट इज हार्डन ग्रेफाइट, बिल्कुल सही बात है, और हमको यहाँ पे क्या बताना है, नॉट ट्रू, गलत स्टेटमेंट बतानी है। नेक्स्ट देखिए, इट कंटेन्स द सेम परसेंटेज ऑफ कॉमनली कार्बन एज ग्रेफाइट, मतलब इसके अंदर भी उतनी परसेंटेज में ही कार्बन मिलेगा जितना ग्रेफाइट में मिलता है। बेटा ग्रेफाइट तो 100% कार्बन है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं हेक्सागोनल एरे में, कैसे, षटकोण बना रहे होते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं कार्बन की, उसकी डायमंड की बात करूं, क्या वहां पे भी 100% कार्बन है? यस, वहां पे इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है आपका डायमंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डायमंड कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है बेटा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये बना देता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि मैम ये भी डायमंड के अंदर भी क्या होगा, डायमंड के अंदर भी 100% कार्बन हमको मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन ग्रेफाइट। ओ, ये कब से हो गया, बेचारे के पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ग्रेफाइट से अच्छा कंडक्टर हो ही कैसे सकता है, बिल्कुल गलत बात है, और हमको यहाँ पे गलत ही आंसर करना था, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वही क्या हो जाता है बेटा, करेक्ट आंसर हो जाता है, वेरी गुड नवीन, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए, इट हैज डिफरेंट कार्बन टू कार्बन डिस्टेंस इन ऑल डायरेक्शंस, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ये वाले कार्बन का जो डिस्टेंस रहेगा और ये वाला कार्बन का जो डिस्टेंस रहेगा डिफरेंट रहेगा, ठीक है, तो बात बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ, सिनेमा स्क्रीन पर बनी हुई छवि किसका एक उदाहरण है, बताओ, चलो किसका एक उदाहरण हो जाती है सिनेमा स्क्रीन के ऊपर बनी हुई छवि, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, पॉइंट इमेज या प्लेन इमेज? अब देखो बेसिकली वो निर्मा का ऐड देखा है, उसके अंदर क्या है, पूरा गांव बैठ के वो मूवी देख रहा है, मूवी के अंदर घोड़े आ रहे हैं, ठीक है, घोड़े के ऊपर डाकू बैठ के आ रहे हैं, और वहां पे क्या है कि वो जो पर्दा है ना उसमें लोग कह रहे हैं अरे पर्दा साफ नहीं है, मूवी साफ नहीं दिखाई दे रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब क्या होता है, वहां पे एक स्मार्ट लड़की है, जाएगी, उसके खुद के कपड़े बहुत चमक रहे हैं, अब वो जाती है और देखती है कि अच्छा वो जो पर्दा है ना, वो पर्दा जो है वो घुमा, मतलब प्रोजेक्टर का मुंह घुमा देती है, और वहां पे क्या करती है, वहां पे जो उसके एकदम व्हाइट कलर का कुछ भी जो कपड़ा टंग रहा होता था उसके ऊपर वो मूवी दिखाती है, गांव वाले कहते हैं हाँ हाँ ये बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है,
बेसिकली अगर आपने देखा हो, पहले वो जो इमेज थी एक धुल्ले कपड़े पे बन रही थी, बाद में वो एक साफ कपड़े पे बनी, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो जो इमेज थी, अगर खुद लड़की खड़ी हो जाती उसके सामने, तब भी वहां पे क्या होता कि उसकी, जैसे जब हम लोग कभी प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्टर्स का यूज करते हैं, तो प्रोजेक्टर से निकलने वाली स्क्रीन हमारे चेहरे पे, हमारे मुंह, हाथों वातों पे पड़ रही होती है। इसका मतलब हम उसको डायरेक्टली टच करते हैं। इसका मतलब वहां पे जो भी आपकी लाइट रेज है वो एक्चुअली मीट कर रही है, और जब भी आपकी लाइट रेज एक्चुअली मीट करती है, आप उनको टच कर सकते हैं, है ना? तो ये सिनोनिम, अगर आप किसी भी इमेज को टच कर सकते हो, इसका मतलब वो रियल इमेज हो जाती है। कैसी इमेज हो जाती है बेटा? रियल इमेज हो जाती है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, कैसी हो जाएगी? रियल इमेज हो जाती है। हाँ जी, क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, सिनेमा स्क्रीन पर बनी जो छवि है वो किसका एक उदाहरण है? रियल इमेज का उदाहरण हो जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट लॉस इज प्राइमरली नॉट ड्यू टू कन्वेक्शन? बताइए इनमें से कौन सा आपका जो लॉस है वो कन्वेक्शन के कारण नहीं होता है? कन्वेक्शन क्या था, याद करो, याद करो हमने क्या देखा था। ठीक है, ये एक मनुष्य है, इनके पास है कुछ किताबें। ठीक है, ये एक मनुष्य है, इनके पास है कुछ किताबें। दूसरी तरफ क्या है बेटा? दूसरी तरफ ये दूसरा मनुष्य है, इनको चाहिए ये किताबें। कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है कि इन दोनों मनुष्यों के बीच में, भाई साहब ये दोनों अलग अलग रूम्स में बैठे हैं, ठीक है, तो अब इनको यहाँ से जो बुक्स लेके जानी है, ये बुक्स लेके जानी है कुछ, ठीक है, ये बुक्स उनको पहुंचानी है। लेकिन बुक्स पहुंचाने के लिए बेटा, कि ये जो आपके दोनों जब अलग अलग कमरों में है, तो यहाँ पे कोई एक मनुष्य चाहिएगा ना जो इस किताब को उठा के लेके जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होंगे एक पियन भैया, ठीक है, जो क्या करेंगे, जो इस बुक को उठा के यहाँ दे के आएंगे, खुद चल के जाएंगे किताब लेके, कि ये लो सर आपके लिए एक बुक, ये लो सर ये वाली बुक भी मैं आपको ला के दे देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जो पियन है वो क्या कर रहा है बेटा? बार बार मूवमेंट कर रहा है। तो जो भी कन्वेक्शन होता है उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गैसेस होने वाला है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गैसेस से, या एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से हीट ट्रांसफर होता है। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कन्वेक्शन कहते हैं। अब खौलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी, जब हम उबलते हुए पानी को देखते हैं बेटा, तो हम क्या देखेंगे? पानी की सबसे पहले नीचे वाली लेयर गर्म होगी, जब नीचे वाली लेयर गर्म होगी तो नीचे से पानी के मॉलिक्यूल्स उठेंगे, ऐसे हिलते 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 ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ? एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है ना, तो इसका मतलब कन्वेक्शन हो रहा है। तो ये तो कन्वेक्शन से हो रहा है। लैंड एंड सी ब्रीज, हवा चल रही है ना, जो भी फ्लूइड्स होंगे ना बेटा, सब में कन्वेक्शन होता है, ये भी ऐसे ही होगा। तीसरा देखिए, कंडक्शन, सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड द ब्लास्ट फर्नेस। एयर का, जैसे आपके पास ब्लास्ट फर्नेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आयन को बनाते हैं, तो आयन का एक्सट्रैक्शन करते हैं बेसिकली। तो जो लोहे का एक्सट्रैक्शन जब हम ब्लास्ट फर्नेस से कराते हैं, तो यहाँ पे जब हम कोक को जलाते हैं, उसकी वजह से आसपास की जो एयर होती है ना, वो भी गर्म हो जाती है, और वो भी क्या करेगी? सर्कुलेट करेगी ब्लास्ट फर्नेस में। तो ये बात भी क्या है, यहाँ पे जो हीट लॉस हो रहा है वो भी कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, हीटिंग ऑफ अ ग्लास सरफेस ऑफ अ बल्ब ड्यू टू करंट इन द फिलामेंट। ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो बल्ब है, इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होगा ये गर्म हुआ, गर्म होने की वजह से क्या होगा कि आपका जो बल्ब के पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप लोग आंसर क्या कर रहे हो? डी, एंड इट बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अरे आ जा, तो यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज एन इंडिकेशन फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट। मतलब
हम एक चीज जानते हैं कि हमारे पास कोई भी प्लांट है तो उसमें क्या होता है, उसमें ना बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, जैसे रूट मॉडिफाई हो जाती है। तो रूट जब मॉडिफाई हो जाती है तब हमको क्या मिलता है, तब हमको वो कैरेट मिल जाती है, हमको रेडिश मिल जाती है ना, हमको बीट रूट मिल जाता है, चुकंदर मिल जाता है। तो ये सब रूट मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक, इसके अलावा टेंड्रिल फाउंड इन अ पी, एक मटर के अंदर जो टेंड्रिल्स पाई जाती है बेटा, एक पी के अंदर जो टेंड्रिल्स पाई जाएंगे या जो प्रतान पाई जाती हैं, क्या वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है? जैसे यहाँ पे जो कैरेट के अंदर जो हेयर प्रेजेंट है वो बता रहे हैं कि ये रूट हेयर हो गए, ये रूट हेयर हो गए। और दूसरी चीज, ये जो कैरेट है ये क्या हो जाती है, एक रूट हो जाती है। ठीक है, स्टोरेज रूट हो जाती है जो मॉडिफाई हो गई कॉनिकल रूट के रूप में। ठीक है, दूसरी चीज, जब हम पी की बात करते हैं, मटर के ऊपर जो टेंड्रल्स होते हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वहां पे वो जो मॉडिफिकेशंस होंगे वो किस चीज के होंगे, लीव्स के। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, स्केल फाउंड एन ऑन एन अनियन, भैया प्याज है ये, प्याज में यहाँ नीचे बाल है, ऊपर ये हो जाता है इसका बल्ब। ठीक है, जो कठोर सा पार्ट होता है ना प्याज का, दैट इज बल्ब। और फिर प्याज के अंदर आपको ऐसे स्केल्स मिलते हैं, काट दिए हमने प्याज, ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्केल्स मिले। तो ये जो स्केल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इसकी फ्लैशी लीव्स होती हैं। हम जो प्याज का पार्ट खाते हैं, हम उसकी पत्तियों को खाते हैं बेटा, वो प्याज की पत्तियों को खाते हैं। तो ये सब बातें सही हैं, मतलब ये भी क्या है, ये भी लीव्स हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, द प्रेजेंस ऑफ आई ऑन अ पोटैटो, आप हमको बताइए कि जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ऑफ अ प्लांट है, बताइए, अगर प्लांट के जो आलू है, आलू के ऊपर जब हम क्या देखते हैं, आई देखते हैं, तो वो क्या चीज दर्शा रहा है? जैसे आपने कभी देखा होगा ये आपका आलू, ठीक है, ज्यादा ही राउंड बन गया, ठीक है, इसके ऊपर ये ऐसे कुछ आई जैसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं आलू की आंख। तो ये क्या है, ये हमको बताती है कि एक्चुअल में ये जो आलू है ना, ये क्या है, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आलू के ऊपर जो आंख है वो बता रही है कि आलू एक स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम हो जाता है आलू। ओके, तो इस वजह से आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय अ लैक्टेटिंग मदर, एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इन ह्यूमन। भैया ये क्वेश्चन ना काफी ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को तो अच्छे से याद ही रखना है आप लोगों को, कि कोई भी जो माता है, जो अभी अभी मतलब कोई भी जो एक गर्भवती महिला है जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है, वो क्या करेगी, जब वो बच्चे को दूध पिलाती है, तो जो सबसे पहला दूध जो वो अपने बच्चे को पिलाती है, उसके अंदर बहुत सारी इम्यूनिटी पावर होती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का कार्य करता है वो दूध, और उस दूध को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम कहा जाता है, या नवस्तन्य कहा जाता है। ओके, और इस चीज को ध्यान रखिएगा बेटा कि कोलेस्ट्रम जो होता है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करेगा। नया नया बच्चा है ना, उसको क्या पता आसपास कौन से वायरसेस एंड ऑल है, तो इस वजह से वहां पे कोलेस्ट्रम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन्स हायर म्यूटेशन रेट एंड फास्टर इवोल्यूशन फाउंड इन आरएनए वायरस। वायरसेस जो होते हैं ना, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। वायरस के अंदर क्या मिलता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल, और ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा ये क्या होगा, ये बेसिकली हमको या तो आरएनए मिलेगा या फिर ये मिलेगा डीएनए, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलते। तो अगर कोई भी एक वायरस है वो आरएनए वायरस है और दूसरा एक वायरस है वो डीएनए वायरस है, तो दोनों वायरसेस में से किसके अंदर म्यूटेशन ज्यादा होता है, तो ध्यान रखना हमेशा आरएनए के अंदर म्यूटेशन ज्यादा होता है। म्यूटेशन मतलब क्या है बेटा, म्यूटेशन का मतलब होता है, उत्परिवर्तन का मतलब होता है अचानक जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन या जेनेटिक कोड में परिवर्तन।
ठीक है, तो अगर अचानक आपके जेनेटिक कोड में परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग म्यूटेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? म्यूटेशन कह देते हैं। तो कौन जो है एक हायर म्यूटेशन रेट हमको देता है, तो आप क्या कहेंगे, मैम आरएनए के अंदर म्यूटेशन ज्यादा है। सिंपल सी चीज है ना, आरएनए क्या होता है, आरएनए काफी अनस्टेबल है, ठीक है, आरएनए काफी अनस्टेबल है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसके अंदर जरा सा कहीं चेंज आएगा तो सामने वाले स्ट्रैंड कोई है ही नहीं जिसके अंदर हमें कंपैरेटिव सेम चेंज हमें देखने को मिले। तो इस वजह से क्या होता है, अगर आरएनए म्यूटेट हुआ, आरएनए के अंदर कोई चेंज आया तो वो बहुत ईजी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, आरएनए इज रिलेटिवली अनस्टेबल कंपेयर टू डीएनए। हाँ ये बात सही है, ठीक है। दूसरा देखो, अभी फिर भी क्या मैम हमें लग तो रहा है या ये आंसर सही है, क्या हमें बाकी पढ़ने की जरूरत है? देखो बायो के अंदर ना अच्छे से सारे ऑप्शंस पढ़ लिया करो, कई बार बेस्ट पॉसिबल आंसर ढूंढना पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दूसरा स्टेटमेंट कहता है, वायरस कैन मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग सेल ऑफ अ होस्ट। एक वायरस जो है सिर्फ लिविंग सेल के भीतर ही मल्टीप्लाई हो सकता है इस वजह से। तो बेटा अगर वो लिविंग सेल के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब वो आरएनए हो डीएनए हो क्या ही फर्क पड़ रहा है, मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा। तो ये तो आंसर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। विषाणु केवल परपोषी जीव के जीवित कोशिका के अंदर ही गुणित हो सकता है, बिल्कुल गलत बात है ये। नेक्स्ट देखिए, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर एब्सेंट इन वायरस। ये बात सही है कि जो है भाई वहां पे बहुत जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होगा या चीजें नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि वहां पे ना आपका वो जो सिस्टम है उसमें पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। दैट इज वाई एक वायरस को आप लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहते हो। ठीक है, एक जीवित और निर्जीव के बीच के योजक कड़ी कहते हो, लेकिन ये चीज क्या हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दे रही है? नो मैम, तो ये भी आंसर गलत हो जाता है। वायरस कैन रिमेन लेटेंट फॉर लॉन्गर पीरियड, यानी कि जो विषाणु है वो लंबे समय तक क्या रहते हैं कि आपके अंदर विषाणु है, मतलब आपके अंदर नहीं किसी नॉन लिविंग चीज पे, जैसे मान लो इसके ऊपर विषाणु पड़ा है और आपको लंबे समय तक पता ही ना चलेगी इसके अंदर विषाणु पड़ा है, तो आप वो क्या होता है बेटा, इसी चीज को हम कहते हैं कि भैया वायरस जो है लेटेंट रह जाते हैं, मतलब सामने नहीं आते हैं, छुपे रुस्तम रहते हैं, ठीक है। कौन है? स्लीपर सेल्स है, जब जरूरत पड़ेगी तब सामने आएंगे। तो बेसिकली क्या है, ये भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो अगर हम वैसे भी इस क्वेश्चन को नहीं में आता होता ना हमको, तब भी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर देते थ्रू द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो यहाँ पे आंसर ए सभी बच्चों ने सही दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, अ वेरी स्मॉल इनसोल्यूबल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड मे बी सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय यूजिंग डैश। सोचिए, सबसे पहली चीज, किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोच के बताना बेटा, हमने क्या किया, हमने जो हमारा द्रव है उस द्रव के अंदर हमने उस द्रव के अंदर जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स डले हुए थे उनको जब चेक करना शुरू किया तो अपन लोगों को क्या पता चला, अपन लोगों को ये पता चला कि वो जो सारे पार्टिकल्स हैं वो तो इतने छुपे रुस्तम है कि हमको पता ही नहीं चल रहा कहाँ है वो पार्टिकल्स। तो हम लोग भी तेज हैं, क्या करते हैं, उस सारे अपने द्रव को डालेंगे टेस्ट ट्यूब में और उस टेस्ट ट्यूब को ना बहुत तेजी से सेंट्रीफ्यूगेट कर देते हैं, बहुत तेजी से घुमा देते हैं। जैसे हम उसको बहुत तेजी से घुमा देंगे बेटे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ही आप उस टेस्ट ट्यूब को बहुत तेजी से घुमाओगे तो वहां पे उसमें जो कण होंगे, जो हल्के कण हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जो भारी कण हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, ओके। और इसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा आप जो अविलयी अति सूक्ष्म कण होते हैं उनको आप अलग कर सकते हो सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड से, अपकेंद्रीकरण के मेथड से, ठीक है बेटे। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है प्राणियों के नाम लिखने के लिए, बताइए। चलिए, प्राणियों के नाम लिखने हमको कौन सी भाषा का उपयोग होगा, फ्रेंच का, लैटिन का, जर्मन का या फिर डच का? जैसे आप लिखते हो होमो सेपियंस आप लिखते हो, है ना, तो ये जो होमोसेपियन है ये वर्ड कौन से है, क्या ये फ्रेंच भाषा के हैं, जर्मन के हैं, लैटिन के हैं या डच के हैं? तो सिंपल सी चीज है मैम, ये लैटिन भाषा के शब्द हो जाते हैं। कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के शब्द। जैसे अगर मैं पिकॉक की बात करूँ, कुछ नाम है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं रिपीटेडली, पिकॉक हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर फैमिली हो गई या फिर लायन फैमिली हो गई, लायन टाइगर,
ठीक है, डॉल्फिन हो गया, ठीक है, ये सब नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक नीम का पेड़, पता नहीं क्यों काफी ज्यादा इनको फेवरेट है, वो काफी बार पूछते हैं लोग। तो अगर आप देखो इन सब के नाम बता सकते हो क्या? नीम क्या है? आजादी रचने वाला इंडिका, ठीक है, इंडिया में आजादी कौन लेके आया? नीम का पेड़, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ देखो एजाडी रैक्टा इंडिका, एजाडी रैक्टा इंडिका, ठीक है, होमोसेपियन आपको ऑलरेडी पता है। डॉल्फिन की यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? डॉल्फिन का हो जाता है डेल्फिस, ठीक है। फिर पिकॉक क्या हो जाता है? पेवो क्रिस्टेटस हो जाता है। ऐसे भी पिकॉक क्या करता है? पैको पैको ऐसा करता रहे, पेवो क्रिस्टेटस। तो ये जो पेवो क्रिस्टेटस क्या है, एक तो पैको पैको वो करता रहता है, दूसरा क्या है बेटा? दूसरा ये है कि उसके सर पे ताज है ना, स्टेटस है उसके ऊपर, तो इसलिए क्रिस्टेटस। दूसरा देखो एलिफेंट को, देखो एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस, ठीक। फिर लायन क्या हो जाएगा? पेंथेरा लियो, पेंथेरा लियो। और लास्ट टाइगर क्या हो जाएगा? पेंथेरा टिग्रिस, ठीक है। एक और आ जाता है जिसको हम कहते हैं हॉर्स, तो हॉर्स के लिए क्या हो जाएगा? हॉर्स हो जाएगा बेटा इक्कस कैलिबस, इक्कस कैबिलस, ठीक है, बड़ा कैलिबर होता है कैबिलस, ठीक है, बहुत सारा कैलिबर होता है ना इसके अंदर, तो इसी वजह से हम इसको इक्कस कैलिबस कह देते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे बेटा। नेक्स्ट देखिए, द मोनोमर्स यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 6R। देखो नायलॉन जो होता है ना वो दो तरीके का होता है, कौन कौन से दो तरीके का है नायलॉन? तो आप कह दोगे मैम नायलॉन एक तो होता है नायलॉन 6, दूसरा होता है नायलॉन 6-6, नायलॉन 6, नायलॉन 6-6। मैम ये 6 और 6-6 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नायलॉन 6 और नायलॉन 6-6 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर मैं नायलॉन 6 की बात करती हूँ, इसके अंदर हमने एक ही मोनोमर इस्तेमाल किया है, और वो जो एक मोनोमर है वो कौन सा है बेटा? वो है कैप्रोलैक्टम। और इसी के कारण, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही मोनोमर इस्तेमाल किया है, इसी वजह से नायलॉन 6 को हम एक होमोमर कहते हैं। होमोमर का मतलब क्या है? जिसमें एक ही मोनोमर का इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है, उसको हम होमोमर कह देते हैं। दूसरी तरफ देखिएगा बेटा, जो नायलॉन 6-6 है इसके अंदर दो मोनोमर्स का इस्तेमाल होता है। कौन से दो मोनोमर्स मैम? तो बेटा पहला हो जाता है एडिपिक एसिड और दूसरा हो जाता है हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, ठीक है। अच्छा सुनो, इनके ना फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, पर नाम ध्यान रख लेना, पेपर में पूछा जाता है जब इन्होंने, ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैप्रोलैक्टम पूछा था, तो अगली बार ये एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन पूछ लेंगे। एक बार इन्होंने पेपर में फिनोल और बेकेलाइट पूछ लिया था, ठीक है, तो आप ना बेसिक नाम ध्यान रख लो बस, ठीक है, कि बेकेलाइट को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? मैम फिनोल इस्तेमाल होता है, और इसके साथ साथ क्या इस्तेमाल होगा? उसके साथ साथ हमारा क्या बोलते हैं, एच सी एच ओ इस्तेमाल होता है, फॉर्मल्डिहाइड इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो बस ये चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा यहाँ पे हमने दो चीजों को एक साथ इस्तेमाल किया, तो ये क्या है? ये आपका हेट्रोपॉलीमर हो जाता है, और इसके अलावा ना ये कंडेंसेशन पॉलीमर भी है, यहाँ पे इसका कंडेंसेशन होता है बेटा, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हेक्सामिथाइलिन डायमीन क्या नायलॉन 6-6 में इस्तेमाल हो रहा है, 6 में इस्तेमाल हो रहा है, हमसे क्या पूछा है? नायलॉन 6 पूछा है ना, 6 मतलब एक ही मोनोमर होगा, कौन सा? कैप्रोलैक्टम। तो हर्ष का आंसर तो गलत हो, ठीक है, ध्यान रखोगे, गलत कर दिया बेटा, पहले आंसर सही दिया था, बाद में आंसर गड़बड़ कर दिया। चलो अब देखो ये फिनोल फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाता है बेटा? बेकेलाइट बनाता है। ये क्या बना रहा है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड क्या बनाता है? तो ये बनाता है नायलॉन 6-6, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बताइए इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं आपको ये बताना है, फटाफट से बोलेंगे कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है बेटा। पहला है बाउमेंस कैप्सूल कंटेन्स ग्लोमेरुल्स,
सही बात है। देखो नेफ्रॉन की यदि हम बात करते हैं, ऐसा सा नेफ्रॉन हमको दिखाई देता है और इसके अंदर ये जो कैप्सूल है इसको हम बोमेंस कैप्सूल या बाउमेंस कैप्सूल कह देते हैं। और ये जो बोमेंस कैप्सूल होता है बेटा, इसी के अंदर क्या होगा, इसी के अंदर आपकी ये कैपिलरीज पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम ग्लोमेरुल्स कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, ग्लोमेरुल्स कह देते हैं। और ये जो ग्लोमेरुल्स हैं ये तो मैम है बोमेंस कैप्सूल के अंदर, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन इज वेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अमोनिया। हम लोग अमोनिया उत्सर्जी हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, अपन लोग अमोनिया नहीं, अपन लोग यूरिया उत्सर्जी, हम लोग यूरिया निकालते हैं। ठीक है, हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जब हम बहुत सारा प्रोटीन खा लेते हैं, अधिक प्रोटीन खा लेते हैं, तो वो जो अधिक प्रोटीन होगा ना, उस अधिक प्रोटीन की यदि हम बात करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, तो ये देखेंगे कि भैया ज्यादा प्रोटीन जो है ना, उसको हमारा जो शरीर का लीवर है वो क्या कर देगा, वो उसका बना देगा यूरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन CDS 1 नहीं CDS 2 2022 में पूछा गया था। क्या CDS 2 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा जो हमारा जो यूरिया है, यूरिया प्रोडक्शन किसके किस से होता है, तो यूरिया लीवर द्वारा किससे बना बेटा, फ्रॉम लीवर द्वारा प्रोटीन से बनाया। ठीक है, किससे बनाया, लीवर द्वारा प्रोटीन से बनाया गया, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड देखिए, द पिगमेंट प्रेजेंट इन यूरिन इज यूरोक्रोम। बिल्कुल सही बात है यार, जो यूरिन के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको यूरोक्रोम या फिर यूरोबिलिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों नाम मिल सकते हैं, लेकिन दोनों ही नाम करेक्ट हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मैम सिर्फ दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हमको मिल जाती हैं, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द वेवलेंथ्स ऑफ करस्पॉन्डिंग टू अल्ट्रा वायलेट विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशन आर गिवन, लेमडा यूवी, लेमडा VIS, लेमडा IR, क्या है ये लेमडा, लेमडा लेमडा है बेटा वेवलेंथ। यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, VIS का मतलब विजिबल रेज, और IR का मतलब क्या है, IR का मतलब है इंफ्रारेड रेज। मैम When RBC is kept in saline water, एक मिनट बताती हूँ। देखो आप लोग इतने इसका आंसर करो, यहाँ पे ना आपको सीक्वेंस में लगाना है, बाकी बच्चे इसका सीक्वेंस में लगाएंगे, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगी। अब ये वाला क्वेश्चन ना वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों का, कि हमने क्या किया, हमने ले ली अपने RBC, RBC की शेप कैसी, बाय कॉनकेव। अब हमने इसको ना एक वाटर में रखा, वाटर कैसा है बेटा, वाटर है सलाइन। अब देखो इन्होंने अपने पेपर में क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया सलाइन हाइपरटोनिक है या फिर आइसोटोनिक है। ठीक है, तो अगर कभी भी पेपर में मेंशन ना हो कि ये जो सलाइन कैसा है, तो इसको सोचेंगे हम कि ये हाइपर सलाइन है। ठीक है, हाइपर सलाइन का मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड सलाइन है, मतलब हाइपरटोनिक। ठीक है, कंसंट्रेटेड सलाइन है, ज्यादा नमक इसके अंदर है। ठीक है, जैसे हमारी RBC में मान लो 10 सॉल्ट थे, NaCl था। ठीक है, और यहाँ पे 90 क्या था, वाटर था। अब हमने इसको किस में रख दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, कंसंट्रेटेड सलाइन में रख दिया, जिसमें क्या हुआ, जिसमें आपको 20 सॉल्ट मिला और 80 वाटर मिल गया, ये परसेंटेज बता रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो RBC है ये पूछेगा सलाइन से, अरे भाई तेरे पास क्या पानी कम है, कहता हाँ यार मेरे पास ना पानी कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये RBC अपना जल इसको दे देगा। अब आप खुद सोचो, RBC के पास जल था, वो इसने किसको दे दिया बेटा, नमक वाले पानी को दे दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, RBC श्रिंक हो जाएगी, RBC क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, RBC श्रिंक हो जाती है जब हम उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख रहे हैं, यानी कि कंसंट्रेटेड सलाइन में। अब कई बार पेपर में वो गुगली फेंक देता है, कैसे फेंकेगा, वो कहेगा हमने RBC को नॉर्मल सलाइन में रखा। नॉर्मल सलाइन का मतलब क्या है, नॉर्मल सलाइन का मतलब होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है, RBC में 10 सॉल्ट था, 10% सॉल्ट था, 90% वाटर था। ठीक है, और यहाँ नॉर्मल सलाइन में क्या होगा, 10% सॉल्ट होगा, 90% वाटर होगा। तो अब यहाँ पे RBC पूछेगा, भैया तुम्हारे पास पानी कम है क्या,
कहता नहीं नहीं मेरे पास पानी जितना तेरे पास है उतना ही मेरे पास है। कहता अच्छा फिर भी तुम्हें जरूरत हो ना तुम ले लेना। तो अपना 1% पानी उसको दे दिया। तो उधर से वो कहेगा नहीं यार मेरे को इतनी जरूरत नहीं है, तो अपना पानी ले ले वापस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आरबीसी का साइज सेम रहता है, साइज सेम रहेगा। ठीक है, तो अब ये ना ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, क्या कि पेपर में क्या पूछा है, पेपर में क्या पूछा है। ठीक, अगर आपको सिर्फ दे दिया सलाइन सॉल्यूशन में रखा है आप उसको हाइपरटॉनिक मानोगे, लेकिन अगर वहां पे लिखा है नॉर्मल सलाइन में रखा है तो इसका मतलब दोनों का परसेंटेज ऑफ सॉल्ट सेम है, सॉल्ट एंड वाटर का रेशियो सेम है, और इस वजह से वहां पे आप उसको श्रिंक होता हुआ नहीं देखोगे। ठीक है अरुण बोकोलिया, ठीक है बेटा चलो। तो यहाँ पे क्लियर है, अब वापस अपने प्रश्न पे आ जाओ। आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन अब प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि हमने यहाँ पे 3 रेज निकाली हैं, यूवी, इंफ्रारेड और विजिबल। अब आरबीसी बर्स्ट नहीं होगी क्या मैम? बेटा आरबीसी कब बर्स्ट होगी, उसके लिए आपका एक और तरीका, तीसरा तरीका आ जाता है। वो क्या है, वो है हाइपोटोनिक सजेशन। ठीक है, हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने सॉल्ट कम है, सॉल्ट कितना है 5%, वाटर कितना है 95%। ठीक है, हमारे आरबीसी का रेशो क्या था, सॉल्ट था 10% और 90% क्या था बेटा, वाटर था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो पानी कहाँ ज्यादा है, बाहर सॉल्यूशन में ज्यादा है पानी। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये अपना पानी इसको भेजेगा। अब आरबीसी के पास इतनी सी जगह है, ठीक है, उसमें बाहर से और पानी आके रहने लग गया तो आरबीसी फूल जाएगी। फूल के क्या हो जाएगी, अगर बहुत ज्यादा पानी का इंटेक रहा तो वो बस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो अगर आप उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तब ये काम होगा। ठीक है अरुण, चलिए अब यहाँ पे देख लो बाबा क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप लोगों से अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दे लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जब भी आपसे ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स को उनकी वेवलेंथ के आधार पे लगाने के लिए आ जाए तो आप क्या करोगे। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है बेटा, आप लोगों को एक कोड याद रखना है, क्या कि गाड़ी एक्सयूवी, गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज। ठीक है, क्या है बेटा, गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज। गाड़ी का मतलब है गामा, एक्स का मतलब है एक्सरे, यू का मतलब है यूवी रे, वी का मतलब है विजिबल रे, इन का मतलब है इंफ्रारेड, माय का मतलब है माइक्रोवेव, रेंज का मतलब क्या हो जाता है, रेडियो वेव। ठीक है, अब हमको किन तीन से मतलब है, हमारे पेपर में जो हमने यहाँ पे लिया है किन तीन से मतलब लिया है, इन तीन। ठीक है, अच्छा अब देखो गाड़ी गामा जो है से रेंज तक जाना है, तो रेंज मतलब हो रहा है रेंज, वैसे भी हम कहते हैं एक बड़ी रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि जो वेवलेंथ है ना वो इस तरीके से बढ़ती है, वेवलेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, वेवलेंथ क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। ठीक बेटा, अच्छा अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, यूवी की वेवलेंथ सबसे कम, विजिबल की थोड़ी ज्यादा, इंफ्रारेड की सबसे ज्यादा। ठीक है, याद करो पेपर में ना एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमसे वेवलेंथ ही पूछा है, किसका वेवलेंथ, यूवी का वेवलेंथ सबसे कम है, उससे थोड़ा ज्यादा विजिबल का है, उससे थोड़ा ज्यादा आईआर का है। बस इसी सीक्वेंस को यहाँ देख लो कहाँ रेप्लिकेट हो रहा है, यूवी इंफ्रारेड विजिबल, गलत हो गया, इंफ्रारेड बीच में आ गया, यूवी विजिबल इंफ्रारेड है तो सही लेकिन यहाँ यूवी को बड़ा कर रखा है, बिल्कुल गलत। यूवी बड़ा है इंफ्रारेड से, बिल्कुल गलत। यूवी सबसे छोटा उससे थोड़ा बड़ा, विजिबल उससे थोड़ा बड़ा, इंफ्रारेड बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। हर्ष बहुत बढ़िया, नवीन बिल्कुल सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। डाइजेशन कि जब हम बात करते हैं, या फिर यहाँ पे पेपर में आपको न्यूट्रिशन भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि डाइजेशन इज अ स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, डाइजेशन एक स्टेज है जिसमें हम न्यूट्रिशन देखते हैं या न्यूट्रिशन होता है। ठीक बेटा, चलिए तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारे जो डाइजेशन के स्टेजेस हैं या न्यूट्रिशन के स्टेजेस हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं, 3-5 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आप 56 भोग उठाओगे, उसको मुंह के अंदर डालोगे, पहला स्टेज कंप्लीट, कौन सा है बेटा, इंजेशन।
ठीक है, ये पहला स्टेज हो जाएगा। फिर उसके बाद वो जो 56 भोग आपने खाया है, सारा का सारा खाना खा लिया, होल लोजो एक न्यूट्रिशन होता है ये, ठीक है। अब उस खाने को आपका शरीर ना अंदर ही अंदर काटेगा, पचाएगा उसको, तो सेकेंड स्टेज क्या हो जाती है बेटा, डाइजेशन हो जाती है, सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज कौन सी हो जाती है? थर्ड स्टेज है बेटा आप लोगों की कौन सी, एब्जॉर्प्शन की। सारा खाना पचा तो लिया, लेकिन अब उसको ब्लड में, ब्लड नाम के ट्रक में लोड भी तो करना है, ताकि वो हर एक दुकान तक उस सामान को पहुंचा के आए, है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेज हो जाएगा बेटा अवशोषण, ठीक। फोर्थ स्टेज देखिए, फोर्थ स्टेज क्या होगा, अब हर एक दुकान पे आपने क्या भेज दिया है, खाना भेज दिया, दुकान बोले तो आपके सेल, हर एक सेल के पास खाना पहुंच गया है, लेकिन दुकानदार उसको क्या करेगा भाई, कस्टमर्स को देगा ना, कस्टमर्स को देगा, तो इसका मतलब कस्टमर्स उसको लेके जाएंगे और उसको यूज करेंगे, मतलब आपका सेल उस भोजन को यूज करेगा, मतलब स्वय अंगीकरण करेगा, एसिमिलेट करेगा अपने में। लास्ट क्या आ जाता है, अब भाई कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तो है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी घर में रखोगे नहीं, उसको हम बाहर निकाल देते हैं कि भैया ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको ले जाओ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, फिफ्थ स्टेज हो जाती है डाइजेशन। तो यहाँ पे देखो 3, 5, 1, 2, 4, ठीक है, ये देख लो 3, 5, 1, 2, 4, 3, 5, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। वेरी गुड हर्ष, बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ गर्थ इन द स्टेम ऑफ अ प्लांट। बताइए, जो एक तना है उस तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा एक चीज रिस्पॉन्सिबल है, तने का जो घेरा है वो क्यों चौड़ा होता चला जा रहा है, क्या रीजन है, इसलिए तना जो है वो चौड़ा होता जाता है। देखो मैंने आई थिंक इससे पिछला जो लेक्चर था यूट्यूब पे, हमने उसमें भी इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, और वो जो डिस्कशन था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो भी एक प्लांट होता है उस प्लांट के अंदर क्या होगा, 3 तरीके से प्लांट ग्रो कर सकता है, ठीक है भाई। देखो ना, कोई इंसान भी है, या तो भाई वो लंबाई में लंबा होता चला जाएगा, या वो मोटा हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, तो ऐसे प्लांट का भी है। अगर वो लंबा हो रहा है, प्लांट के अंदर अगर लंबाई आ रही है, तो वो किसके कारण हो रही है, वो एक्सियल मेरिस्टेम के कारण हो रही है, शीर्ष विभाज्य ऊतक के कारण हो रही है, वो लंबा हो जाएगा, उसके जड़ों में उसके तने उसके उस ये जो वो होते हैं शूट्स होते हैं, ठीक है, उन सब में क्या होगा, शीर्ष विभाज्य ऊतक। दूसरा, अब प्लांट मोटा हो रहा है, ठीक है, उसका तना एकदम मोटा सा हो गया है, तो वो जो प्लांट मोटा सा हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है लेटरल मेरिस्टेम के कारण, ठीक है, किसके, पार्श्व विभाज्य ऊतक के कारण। विभाज्य ऊतक मतलब क्या, जो विभाजन कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं बेटे, विभाजन कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पार्श्व विभाज्य ऊतक। तो यहाँ पे प्लांट चौड़ा किस लिए हो रहा है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण होता है, पार्श्व विभाज्य ऊतक के कारण। अब प्लांट के अंदर अगर कभी भी जोड़ आ जाए, ठीक है, कहीं पे भी प्लांट के अंदर जोड़ आ जाए, अभी कॉल का नहीं, प्लांट का अपना खुद का जोड़ होता है, तो वो जो पर्टिकुलर जो आपका जोड़ होता है वो किसके कारण होगा। जैसे एक प्लांट है, उस प्लांट, जैसे आप हाथ को प्लांट मानिए, ये हमारा प्लांट का तना है, इस तने में ये बहुत सारे लीव्स आ गई, ठीक है, यहाँ पे आपको जोड़ दिख रहा है ये, ठीक है, तो ये जो जोड़ होगा ना, ये क्या है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। क्या है बच्चा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये आपको जोड़ देने का कार्य करेगा, ये आपके यहाँ पे लिंकेजेस होंगे, ठीक है, तो जहां भी लिंकेजेस दिखे क्या होगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम हो जाता है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बायलेटरल सिमेट्री इन इट्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सोच के बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा जीव होगा जिसमें क्या होगा, जिसमें बायलेटरल सिमेट्री होगी। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है मैम, वर्ड तोड़ दो, कहाँ गया बायलेटरल, बाय मतलब दो, लेटरल मतलब जब हम उसका लेटरल साइड देखते हैं, लेटरल साइड मतलब उसको हम एक पर्टिकुलर एंगल से जब उसको कट करते हैं, एक पर्टिकुलर फेस से, जैसे अगर हम एक इंसान को ले, उसको यहाँ एकदम सेंटर में से ऐसे काट दो, ठीक है, मेरे को ऐसे बीच में से ऐसे काट दो, क्या होगा, दो मैम के हिस्से हो जाएंगे, एक आँख इधर हो गई, एक आँख इधर हो गई, नाक इधर होगी। तो अगर हम ऐसे देखें आउटर फेस से, इंटरनली नहीं बोल रही, आउटर फेस से अगर हम देखें, तो आउटर फेस में क्या होगा, यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स आ जाते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं बेटा बायलेटरल सिमेट्री। क्या कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। तो जितने भी आपके जीव होंगे, जो आपके मैमल्स होते हैं, जनरली वो बायलेटरल सिमेट्री के अंदर होंगे। लेकिन अगर हम एक स्टारफिश को देखें, ये आपका स्टारफिश है, ठीक है, अगर मैं स्टारफिश को देखूं, इसको अगर मैं ऐसे काटूं, मैम ये टू इक्वल हाफ, अच्छा अगर मैं स्टारफिश को ऐसे काट दूं, कहोगे मैम ये तो अभी भी टू इक्वल हाफ बना दिया इसने। मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे टू इक्वल हाफ में कट कर देते हैं,
मैम ये तो अभी भी टू इक्वल हाफ बन गए इसके। अच्छा क्या ऐसे भी ये टू इक्वल हाफ बना देगी? बना देगी। क्या ये इस तरीके से भी टू इक्वल हाफ बना देगी? तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हम यहाँ देख रहे हैं कि जो भी हमारी स्टार फिश है वो तो कई तरीके से टू इक्वल हाफ जो है वो बना सकती है। क्या कर सकती है? वो कई तरीके से टू इक्वल हाफ बना सकती है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक रेडियल सिमिट्री है। ठीक है, क्या है बेटा? रेडियल सिमिट्री हमें के अंदर देखने को मिल रही है। कोई समस्या? ये तो हमको समझ में आ गया। तो लेकिन अगर मैं अगर हम एस्टेरियस की बात करें, ठीक है, तो एस्टेरियस हुआ, इकाइनस हुआ, सी एनीमोन हो गए, बेटा ये सब पता है क्या है? ये सब रेडियल सिमिट्री होल्ड करते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? जैसे अगर हम सी एनीमोन की बात करते हैं, ये क्या है? ये आपका फाइलम सिलेंट्रेटा है। ठीक है, क्या हो जाएगा मैम? रेडियल सिमिट्री। अगर हम इकाइनस की बात करते हैं, स्टारफिश इकाइनस फैमिली का ही मेंबर है। ठीक है, क्या है? रेडियल सिमिट्री है। अगर हम एस्टेरियस की बात करें, रेडियल सिमिट्री आ जाएगी। लेकिन जो नेरिस होता है ना बेटा, यह क्या है? नेरिस होता है बच्चे आपका कुछ इस तरीके का, क्योंकि ठीक है कान खजूरा जैसा दिखता है, बट इट इज नॉट कान खजूरा। ठीक है, ये है आपका नेरिस। और ये जो नेरिस होगा ना, अगर आप इसको देखो, आप इसको सिर्फ एक ही तरीके से टू इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, और ये कौन से संघ का मेंबर है? ये एनेलिड हो जाता है। क्या हो जाता है? ये एनेलिडा हो जाता है। और इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल? बताइए। चलिए, वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा है? गर्म रक्तक कौन सा है? क्रोकोडाइल एंड ऑस्ट्रिच, हैगफिश एंड डॉगफिश, टॉर्टोइज एंड ऑस्ट्रिच, पिकॉक एंड कैमल। सोचो 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 क्या आंसर होगा। यहाँ देखो, वार्म ब्लडेड की बात करते हैं, गर्म रक्तक कौन से हैं? जो अपने बॉडी टेम्परेचर को समान रख सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर को समान रख सकते हैं, सेम रखेंगे। तो कौन रखेंगे अपने बॉडी टेम्परेचर को सेम? कहीं बाहर कितना भी टेम्परेचर चेंज हो जाए, उनकी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा सिर्फ दो ही जीव ऐसे होते हैं, एक होते बर्ड्स, दूसरे होते हैं मैमल्स। सिर्फ ये ही ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं बेटा, अपना बॉडी टेम्परेचर सेम रख सकते हैं। तो यहाँ देखो, क्रोकोडाइल और ऑस्ट्रिच, ये बर्ड हो गया, ये रेप्टाइल हो गया, तो नॉट पॉसिबल। हैगफिश, डॉगफिश, दोनों मछलियां हैं। ठीक है, हैगफिश मिक्सिन कहलाती है, डॉगफिश क्लोडियन कहलाती है, और दोनों ही के अंदर क्या होगा? कोल्ड ब्लडेडनेस होगी। ठीक है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर सेम नहीं रख सकते। जैसे अगर हम अपनी बात करें, देखो जो फीवर के अलावा बात कर रही हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर्स पे, तो नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? ओके, यस मैम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हैगफिश और डॉगफिश है ये तो पोइकिलोथर्म्स हो जाती है। किलो थर्म्स मतलब असमतापी हैं। ठीक बेटा, नेक्स्ट देखो, टॉर्टोइज एंड ऑस्ट्रिच। टॉर्टोइज और ऑस्ट्रिच की बात करते हैं बेटा, टॉर्टोइज अगेन एक रेप्टाइल हो जाता है, ऑस्ट्रिच में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाता है बेटा? गलत हो जाता है। ठीक है, बी भी गलत। लेकिन लास्ट बचा पिकॉक और कैमल। कैमल क्या है बेटा? कैमल क्या है? आप कह देंगे मैम, जो कैमल हो जाता है वह एक मैमल है, और जो पिकॉक हो जाता है वो एक बर्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखिए, व्हेन हॉट वाटर इज प्लेस्ड इनटू एन एम्प्टी वाटर बॉटल। अच्छा, गरम गरम पानी डाल दिया आपने पानी की बॉटल में। ठीक है, द बॉटल कीप्स इट शेप एंड डज नॉट Soft. What type of plastic is the water bottle made from? यहाँ पे तो सही, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे बोला कि आपके पास एक थर्मो वाटर बॉटल है, उस वाटर बॉटल के अंदर आपने पानी डाला। जब आपने पानी डाला, गर्म गर्म पानी था, तो नॉर्मली क्या होता है, प्लास्टिक ना ऐसे पिचक सी जाती है या उसकी शेप चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे इस वाटर बॉटल के अंदर जब आपने इस चीज़ को डाला, गर्म पानी को डाला, उसका पानी, उसका बिल्कुल भी क्या नहीं हुआ, उसका बिल्कुल भी शेप चेंज नहीं हुआ। तो आप हमको बताइए वो किस चीज से, विद टाइप ऑफ मटेरियल लिख लीजिए। मटेरियल
इज द वॉटर बॉटल मेड फ्रॉम? वॉटर बॉटल किस चीज से बनी है? पहला है थर्मोप्लास्टिक। बेटा थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि गर्मी देने पर शेप चेंज होगी, शेप चेंज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि अगर आप इसके अंदर गर्म गर्म पानी डालोगे अपना शेप चेंज कर लेगी, तो दिस कुड नॉट बी द आंसर। नेक्स्ट देखो पीवीसी, पीवीसी के पाइप्स वगैरह होते हैं, है ना, तो वो काफी अच्छी उनकी जो कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से वो गर्मी को ठेल जाते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे पीवीसी की बॉटल्स नहीं बनाते हैं, तो इस वजह से दिस कुड नॉट बी द आंसर, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक आंसर नहीं हो सकता। बेकेलाइट की बॉटल हमने कभी नहीं सुनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें शेप आपकी चेंज नहीं हुई है, तो यहाँ पे थर्मोसेटिंग पॉलीमर यानी कि ताप दृढ़ पॉलीमर यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है, जिसमें एक्चुअली हमें शेप चेंज होती हुई दिखाई नहीं दे। आपने एक बार जैसा उस बॉटल की शेप को ढाल दिया वो वैसा ही बना रहेगा, ठीक है। आजकल जो पीईटी बॉटल्स आती है वो कुछ इसी चीज से बनी हुई होती है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड? बताइए इनमें से कौन सी अम्ल का एक गुण नहीं है, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। एसिड हैज अ सार टेस्ट, एसिड के अंदर एक खट्टा स्वाद होता है, एसिड हैज अ बिटर टेस्ट, या तो खट्टा ही करा लो या कड़वाई करा लो, दो चीज एक साथ कैसे हो सकती है? इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखिए, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, यानी कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करेगी बेटा? सॉल्ट बनाएगी। क्या बनाएगी? सॉल्ट बनाएगी और वाटर को रिलीज करेगी। इसका मतलब क्या है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो यहाँ पे इस रिएक्शन को हम लोग कह देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इसको क्या कह देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इसको कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए, एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड, लाल मतलब खतरा, तो एसिड क्या करता है कि ये लाल ही कर देता है आपके एसिड, ठीक है, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है, तो ये बात भी बिल्कुल। तो इनमें से गलत क्या है? सार टेस्ट होता है क्या एसिड का? यस, जितने भी एसिड्स होंगे खट्टा टेस्ट रखेंगे, लेकिन जो बिटर टेस्ट होता है ना, ये बिटर टेस्ट किसका होता है? कड़वा स्वाद किसका होगा? बेसिस का होगा। कभी साबुन मुंह में गया है? बेस होता है, कड़वा सा लगता है ना। चलो नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इज अल्कलाइन इन नेचर, बताइए इनमें से कौन सा एक अल्कलाइन है, प्रकृति में क्षारीय है, बताइए HCl, HNO3, H2SO4 या NaOH, में से क्या प्रकृति में क्षारीय होता है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे कौन सा प्रकृति से क्षारीय होता है, HCl, HNO3, H2SO4 या NaOH? क्या आंसर कर देंगे आप लोग? कहेंगे कि मैडम निम्नलिखित में से यदि हम प्रकृति में क्षारीय की बात करते हैं, तो HCl प्रकृति में कैसा होता है? भाई HCl का फुल फॉर्म क्या है? अगर आप इसको बोलो कि क्या है, ये है मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HNO3 क्या है बेटा? नाइट्रिक एसिड हो जाता है, ठीक है। H2SO4 क्या हो जाता है? दिस इज एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और NaOH क्या हो जाता है? दिस इज कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक। और ये जो कॉस्टिक सोडा होगा ना, इसका पीएच वैल्यू, अगर ये कंसंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा है, इसका पीएच वैल्यू 14 हो जाता है। इसका मतलब ये क्या है, ये हाईली बेसिक होता है, काफी ज्यादा बेसिक होता है, काफी ज्यादा क्षारीय नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिस्टोन प्रोटीन इज करेक्ट, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में इनमें से कौन सा कथन एकदम सही है, आपको यह बताना है। जल्दी से बताएंगे बेटा क्या आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है? अच्छी लग रही है क्लास? अच्छे से आप लोगों को लग रहा है कि हाँ आ रहे हैं? तो अगर लिटरली ऐसा है, अगर आप क्लास को अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आप लोग जो है ना अपने CDS वगैरह की भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और CDS की तैयारी स्टार्ट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग हमारा जो CDS OTA का बैच है, आप उसके साथ जुड़ सकते हो, या फिर अगर आप इंडियन नेवल अकेडमी, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, इसके अंदर जाना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग हमारा जो नेवल अकेडमी वाला, मतलब जो आपका CDS का बैच है, आप उसके वहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन टीम पढ़ाने वाली है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग टाइमली उसके साथ जुड़ जाएंगे, सो दैट आप लोगों से चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी तो देना है साथ साथ,
तो चलो, हिस्टोन्स आर प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. क्या ऐसा है, हिस्टोन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं. जो हिस्टोन होते हैं ना, ये हमको कहाँ मिलते हैं, ये बेसिकली देखो जरा, ये आपका प्यारा सा सेल, सेल का हुआ डिवीजन, सेल का होता है डिवीजन, सेल डिवीजन. जब सेल डिवीजन हो रहा होगा तो यहाँ पे ये जो सेल है ये अपने क्रोमोसोम को शो करता है. जब हमने क्रोमोसोम्स को देखा तो हमने क्रोमोसोम को उधेड़ के देखा. जब हमने क्रोमोसोम्स को उधेड़ा तो हाईली कॉइल्ड क्या था, डीएनए था. हमने जब इस डीएनए को भी खोला तो हमको क्या मिला, कि तरीके से स्ट्रक्चर मिला. और इसके इर्द गिर्द ना ये जो डीएनए था ये हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द लिपटा हुआ, ठीक है. तो हिस्टोन जो है बेटा वो पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है. इस चार्जेस की वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर लिपट जाते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, हिस्टोन आपका डीएनए के साथ युग्मन बना के रखता है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, हिस्टोन्स आर प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बिल्कुल गलत. हिस्टोन्स आर प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन एसोसिएशन विद डीएनए, यानी कि न्यूक्लियस के साथ रहते हैं, न्यूक्लियस के साथ डीएनए के साथ एसोसिएशन बना के रहते हैं, बिल्कुल. अभी तो यही बताया ना, डीएनए के अंदर रहते हैं न्यूक्लियस में, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है. नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन एसोसिएटेड विद लिपिड्स, बिल्कुल गलत. कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं, आंसर ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पासेज ऑफ लाइट इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. जब हम एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस हो जाता है लाइट के पास होने का. देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला जो टॉपिक है नॉर्मली आपके पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम इस बात पे ये भी नहीं कह सकते कि मैम ये कभी पेपर में नहीं आएगा. आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, 12th क्लास के पेपर में आपको, 12th क्लास की नोटबुक्स में आपको ये मिल जाएगा टॉपिक. जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या. देखो, जो भी आपका एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, अगर मैं एक सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करूं तो वो मैग्नीफाइंग लेंस की तरह होता है, ठीक है. अच्छा, उसके अंदर हम मैग्नीफाइंग लेंस जैसा लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, अब ये जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, जब भी हम अपने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखेंगे तो हम लोग वहां पे क्या देखेंगे कि उसके अंदर मैम, उसके अंदर मैम सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ना एक क्या लगा होगा, एक आईपीस लगा होगा, ठीक है. आईपीस, इस आईपीस से हम देखते हैं, फिर इस आईपीस के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी, बॉडी ट्यूब लगा होगा, ठीक है. ये क्या होगा बेटा, बॉडी ट्यूब लगा होगा. बॉडी ट्यूब क्या होगा, इस बॉडी के ट्यूब के अंदर हमको बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, इस बॉडी के ट्यूब के थ्रू हम लोग जो है ना एक्चुअल में लाइट को आता हुआ, ठीक है. तो इस तरीके से एक बॉडी ट्यूब हमको यहाँ पे लगा हुआ मिलता है, ठीक है. अच्छा मैम, बॉडी ट्यूब के बाद फिर नेक्स्ट चीज कौन सी आ जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और कंडेंसर आ जाता है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव लेंस और कंडेंसर आ जाता है, तो यानी कि पहले यहाँ पे क्या आएगा, पहले यहाँ पे आ जाएगा बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस और फिर आ जाएगा यहाँ पे कंडेंसर. क्या आ जाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव लेंस और यहाँ पे अगर इसको ऐसे जोड़ दीजिए, इधर क्या बन जाएगा आपका, इधर आ जाएगा कंडेंसर, ठीक है. इस कंडेंसर के जस्ट नीचे इधर को आपको मिल जाएगा मिरर, मिरर के नीचे मिल जाएगा बेस, ठीक. तो अगर हम यहाँ पे देखें, जब भी हमको लाइट दिखाई देती है तो हमारी आंखों के अंदर, मान लो हम नीचे से पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले मिरर, मिरर से ऊपर कंडेंसर, कंडेंसर से ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर बॉडी ट्यूब, फिर आईपीस. अच्छा, मान लो कि हमको पता ही नहीं था मैम क्या इसका डायग्राम होता है, हमको नहीं पता. अगर डायग्राम नहीं पता हमको तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ना दिमाग लगा सकते हैं. कैसे, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक कंडेंसर है, एक आईपीस है, ठीक है. अच्छा, अब आईपीस से सीधा ऑब्जेक्टिव लेंस पे नहीं जा सकते, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आईपीस से सीधा ऑब्जेक्टिव लेंस पे आप नहीं जा सकते, यहाँ पे बॉडी ट्यूब से आपकी लाइट को पास होना ही होना पड़ेगा, ठीक है. तो ये चीज नॉट पॉसिबल. कंडेंसर से ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएंगे, हाँ जा सकते हैं, फिर उसके बाद बॉडी ट्यूब में लाइट जाएगी, फिर आईपीस में. मतलब ऑप्शन नंबर सी बिकम्स करेक्ट आंसर.
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाता है। सबसे पहले कंडेंसर होगा जो लाइट रे को क्या करेगा, लाइट रे को आगे भेजेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होते हुए बॉडी पीस, बॉडी पीस से आई पीस के अंदर जाएगी और फिर वो आपकी आंखों के अंदर लाइट एंटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मतलब धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात में अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। डाउट इसमें सही है मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने कहा ठीक, अच्छा चलो आपने बोल दिया, मैंने मान लिया है। यहाँ देखो, निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा आपका ऑक्साइड है, मतलब वो है मेटेलिक ऑक्साइड है जो बाकियों से भिन्न है। बाकियों से भिन्न होने का मतलब क्या है, देखो नॉर्मली जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, तो वो यहाँ पे मेटेलिक सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है, और साथ साथ क्या रिलीज कर देंगे, हाइड्रोजन। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की, Al2O3 की, या फिर जिंकेट की ऑक्साइड की, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए हम इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम इनको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, क्या कह देंगे बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हम लोग इनको कह देते हैं, और इसी वजह से जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये डिफरेंट हो जाता है बाकियों। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों से कहता है, इको इज हर्ड आफ्टर 5 seconds ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड विच मूव्स विद द स्पीड ऑफ 340 meters per second. What is the distance of the mountain from the source of sound which produces the echo? बताओ, चलो इसी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी करा चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने स्पीड देखी कितनी है, 340 meters per second. टाइम कितना लिया, टाइम लिया 5 seconds का। डिस्टेंस कितना है बेटा, तो पहले यहाँ से साउंड जाती है, पहाड़ी से टकराती है, पहाड़ी से टकरा के वापस आई, इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, जो भी आपको डिस्टेंस लेना है उसका ट्वाइस हो जाएगा। तो अब आप लोगों को एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बताने के लिए क्या करोगे तो यहाँ पे देखो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड है आपकी 340, डिस्टेंस है 2x, टाइम है 5, 2 से 34 को काटोगे 17 हो जाएगा, तो यानी कि 170। फिर यहाँ पे देखो, 170 गुणा 5 करोगे 850, 850 मीटर आ गया, लेकिन इस मीटर की वैल्यू हमको वहाँ पे नहीं दे रखी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे 0.85 किलोमीटर आपको सही आंसर मिल जाता है। क्या मिल जाएगा बेटा, 0.85 आपको सही आंसर मिल जाएगा। ये कौन है, 0.085 लिख दिया बेटा, 10 से 10 कैंसिल, 2 जीरो के बाद, 2 चीजों के बाद डेसिमल लगाओगे तो 0.85 ही तो हो जाएगा, गड़बड़ कर दी हर्ष। चलो नेक्स्ट देखो, 100 वॉट बल्ब इज यूज्ड फॉर, एक 100 वॉट का बल्ब है, ठीक है, उसको आपने 10 घंटों के लिए इस्तेमाल किया, अच्छा पावर कितनी है ये, टाइम कितना लिया आपने, 10 घंटे लिया, कितने दिन के लिए, एक ही दिन के लिए, अच्छा आपने टोटल टाइम जो लिया है, टोटल डेज जो लिया है वो है 30 डेज, तो आपको बताना है आपने कितनी ऊर्जा खर्च करी, कितनी यूनिट खर्च करी है, यूनिट्स आप लोगों को बतानी है। अब आप देखो, पावर इक्वल्स टू, ओ सॉरी, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, पावर कितना है 100 वॉट है, टाइम कितना है 10 आवर्स है, डिस्टेंस कितना है 30, और डेज कितना है 30। अगर हम मैम न्यूमेरिकल भी आता है, हाँ बेटा CDI आते हैं, ठीक है, चलिए तो यहाँ देखो, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है, कितना हो जाएगा 30,000 वॉट आर हो जाता है, लेकिन हमसे तो यूनिट पूछी है, हमसे तो क्या पूछा है बेटा, हमसे तो यूनिट पूछी है, तो एक यूनिट किसके बराबर होती है, 1,000 वॉट आर के, यानी कि 1 किलो वॉट आर के बराबर होती है। तो अगर आपकी 30,000 यूनिट्स दे रखी हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपने कितनी यूनिट्स खर्च करी होंगी, 30 यूनिट्स खर्च करी है ना। ये देखो 30,000 को अगर आप देखो 30 × 1000 तो इसका मतलब 30 kWh हो जाएगा, यानी कि 30 हमको क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा बेटा आपका यूनिट्स, ठीक है,
30 यूनिट्स का आपका बिजली का बिल बन के आएगा। मैम लेवल बता दीजिए, ज़्यादा इजी नहीं आ, ज़्यादा इजी ही आते हैं, टफ नहीं आते हैं, ठीक है। 10th लेवल तक का आप करोगे अगर, तो आपका काम चल जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, वॉट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 10th लेवल या 12th लेवल, 10th लेवल तक का आता है, थोड़ा बहुत एक आधा क्वेश्चन कभी उनको टफ करना हुआ तब वो 12th लेवल का देते हैं, नहीं तो आप 10th लेवल का तक का करके जाइए, यू आर मोर देन इन सेफ जोन, ठीक है, आप सेफ जोन से भी ज्यादा सेफ हो, ठीक है बेटे। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी करना होता है, ऐसा नहीं होता कि जो आप लोग क्लास में, क्लास को शेयर भी तो कर दो ना बाकी बच्चों को, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है और किसके नाम पे ये दिया गया, कब खोजा गया, इससे रिलेटेड किसको नोबेल पुरस्कार मिला था, जल्दी से बताओगे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हमारे सत्येंद्र नाथ बोस जी हैं, ठीक है, जिन्होंने एक ऐसे पार्टिकल के बारे में बताया जिसको अगर हम बहुत ठंडा कर दें, बहुत ठंडा कितना, जब हम एक उसको परम शून्य ताप तक पहुंचा दें, -273.15 डिग्री सेल्सियस तक अगर ठंडा कर देते हैं, और उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1,00,000 तक ले जाते हैं, मतलब 1/1,00,000 समथिंग पहुंचा दे, तो वहां पे जो हमारे पास मैटर इकट्ठा हो गया था ना, उसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं या बीस कहते हैं। सत्येंद्रनाथ बोस जी ने इस चीज को खोजा, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सत्येंद्रनाथ बोस जी इसको रेटिफाई कराने के लिए आइंस्टीन के पास जाते हैं, या जो भी डाउट है पूछ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, आइंस्टीन जी के पास लेके जाते हैं, आइंस्टीन जी कहते हैं बेटा बिल्कुल सही काम कर रहे हो तुम, और इस वजह से इस कंडेंसेट को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कह देते हैं। ये 5th स्टेट ऑफ मैटर के रूप में जाना जाता है, क्या है, द्रव्य या पदार्थ की 5वीं अवस्था कहलाती है। और नेक्स्ट चीज देखिएगा कि यहाँ पे 2001 में तीन साइंटिस्ट्स को पीसी बनाने के लिए क्या दिया गया बेटा, वो नोबेल पुरस्कार मिला। किससे बनाया था इन्होंने, इन्होंने बनाया था रुबीडियम से इन्होंने पीसी को बनाया था। मैम आई एम हिंदी स्टूडेंट, ओके, आप ऐप पर कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाते हो बेटा, वैसे तो मैं दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाती हूँ, ठीक है, वैसे तो मैं बहुत दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाती हूँ, बाकी आप जो हमने डेमो दिया था ना, आप उसके अंदर देख लीजिएगा मैं दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही, ठीक है बेटा। चलिए ओके ओके, हाँ अब अगले क्वेश्चन का आंसर करो। चलो, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, भाई कोई भी हमारे पास एक तरल है, कोई भी एक द्रव है, ठीक है, अच्छा, अब ये जो द्रव है ना, ये इतना भरा हुआ है, और दूसरा मैंने एक ग्लास लिया ये, जिसके अंदर सेम मात्रा में, जैसे दोनों में, इसमें भी 1 लीटर द्रव है, इसमें भी 1 लीटर द्रव है, ठीक है, आप मुझे बताओ इनमें से किसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगा, किसमें वाष्पीकरण ज्यादा, वाष्पीकरण बोले तो सीधा लिक्विड से गैस बन जाए, ठीक है, इवेपोरेशन का रेट सीधा लिक्विड से अगर कोई चीज गैस बन रही है, किसी सीधा तरल से अगर कोई चीज गैस बन जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इवेपोरेशन कहते हैं, है ना। तो ये जो इवेपोरेशन होगा ये किस चीज के ऊपर निर्भर करता है, सोचो, टेम्परेचर पे, क्या ऐसा है, कहोगे मैम इवेपोरेशन जो है टेम्परेचर पर तो निर्भर करता है, अगर हम टेम्परेचर जो है अच्छा सा रखेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से वहां पे ज्यादा, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इवेपोरेशन, तो ये बात बिल्कुल सही है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट देखो, इट्स सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर, देखो यहाँ पे इतना बड़ा ग्लास है या जार है जिसके अंदर हमने पानी खोल के रखा हुआ है 1 लीटर, और यहाँ पे भी 1 लीटर पानी रख रहा है, दोनों का जो होगा सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा आपका इवेपोरेशन होगा, ज्यादा आपका क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, ठीक है, तो इसका मतलब इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एक्सपोज। तीसरा देखो इसका मास, बेटा 1 लीटर पानी हो चाहे 50 लीटर पानी हो, वो तो सरफेस एरिया और टेम्परेचर पे निर्भर कर रहा है ना, तो मास के ऊपर तो वो निर्भर कर ही नहीं सकता, ठीक है, ह्यूमिडिटी, अगर नमी ज्यादा होगी आपके आसपास के एटमोसफेयर में, वहाँ पे भी क्या होगा, वो रेट ऑफ इवेपोरेशन पे फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। चले आगे, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आ जाता है अगला क्वेश्चन, ठीक, यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव
ट्रांसपोर्ट इनमें से कौन सा हो जाता है। अब देखो हमेशा ना एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, अगर हम कभी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इट इज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो पहली चीज समझ लो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक पदार्थ है और उस पदार्थ के अंदर क्या हो रहा है, उस पदार्थ के अंदर अगर हमें कोई भी काम कराना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह उस पदार्थ को लेके जाना है और उसमें अपना एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, हमारी उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है वहां पे, तो उसको हम एक्टिव रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या आंसर बनेगा। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन, यानी कि विसरण ग्रवणता के विरुद्ध किसी पदार्थ की गति जो श्वसन से होती है, श्वसन से ऊर्जा प्राप्त करके होती है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह देते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है इट इज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस अगेंस्ट आर डिफ्यूजन ग्रेडियंट विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। मैंने अभी अभी क्या बताया बेटा, कभी भी ना यूज ऑफ एनर्जी अगर नहीं हो रहा है तो वो एक्टिव ग्रेडियंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो ही जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से एनर्जी यूज करते हुए अगर हम इस काम को कर रहे हैं तो वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अच्छा लास्ट देखिएगा, इट इज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस अलोंग अ डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। देखो अब यहाँ पे ना हमको क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पे क्या चीजें मिल रही हैं बेटा, यहाँ पे हमको मिल रही हैं कि मैम ये जो तीनों ही स्टेटमेंट है ना, इन तीनों ही स्टेटमेंट्स के अंदर हमने यूज ऑफ एनर्जी करी। अब अगर हम लोग एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब तो यहाँ पे तो एक्टिव ग्रेडियंट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो अगर बेटा यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमको दिख रहा है तो अब इनमें से हम किसको मार्क करना चाहिए, देखो इसके लिए भी एक छोटा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि अगर आपकी जो भी आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, जो भी आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो आपका कैसे हो रहा है, वो आपका अलोंग द ग्रेडियंट होता है, ठीक है, अलोंग द ग्रेडियंट होता है। और यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना कि जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ना, यहाँ पे एंजाइम्स का यूज, बिना एंजाइम्स के यूज के यहाँ पे कभी भी एक्टिव ग्रेडियंट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज नहीं हो पाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर करने की। जल्दी से बताइए, एंड ए ए, ठीक है, यहाँ पे देखो अब दिमाग लगाना इसको थोड़ा। हमने ये बोला कि यहाँ पे एंजाइम्स का इस्तेमाल होगा। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा, हमेशा जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट होगा, मतलब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो वो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना उसके क्या होगा, उसके वो विपरीत कार्य कर रहा होगा, वो हमेशा क्या होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा, ठीक है। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा वो हमेशा अलोंग द डिफ्यूजन ग्रेडियंट काम करेगा। तो ये जो अलोंग वाला आंसर आ गया ये तो क्या है, ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, ये तो क्या हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। अब दूसरा देखो यहाँ पे क्या है कि मैम विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकल रही है वो आपकी कैसे बन रही है बेटा, वो आपकी बन रही है सेल्यूलर प्रोसेस से, कैसे बनी, थ्रू सेल्यूलर प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी आपका जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट हो, अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट होना चाहिए। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो तीन चीजें ध्यान रखना, एक्टिव में हमेशा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आप काम करोगे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स होगा, यानी कि एंजाइम्स की हेल्प जरूरी है,
ठीक, अगर एंजाइम्स यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। तीसरी चीज देखिएगा बेटा, तीसरी चीज क्या हो जाती है यहाँ पे, एनर्जी फ्रॉम सेल्युलर प्रोसेसेस, फ्रॉम सेल्युलर प्रोसेस इज यूज, एनर्जी यहाँ पे यूज होती है सेल्युलर प्रोसेस से। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनमें से किसमें सेल्युलर प्रोसेस आप देख रहे हो बेटा, फोटोसिंथेसिस की एनर्जी की वजह से, फोटोसिंथेसिस से जो एनर्जी निकल रही है दैट इज अ केमिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सेल्युलर प्रोसेस रेस्पिरेशन से देखते हैं तो C6H12O6 किसमें टूट गया बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से वो किसमें टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में टूट गया, है ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी इस्तेमाल होगी उसको हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी गुड, हर्ष का आंसर एकदम सही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद, एक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है उसके अंदर जो क्लोरोफिल होगा वो किस चीज से रिलेटेड होगा, प्लास्टिड से, मेम्ब्रेनस वेसिकल से, न्यूक्लियोइड से, या फिर क्रोमोसोम से, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहली चीज, जो भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होगा ना, ये क्या है, इसके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जा सकता है। तो नॉर्मली जो भी क्लोरोफिल होगा ना, इट विल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। कैसे भाई, ये लाइट को क्या करता है, ये लाइट को कैप्चर कर लेता है, और जब ये लाइट को कैप्चर कर लेगा ना, सनलाइट को कैप्चर कर लेगा, तो उसके बाद ये जो भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे प्रोडक्ट्स हैं इनको रिएक्ट करा के वहां पे क्या बना देगा, वहां पे आप लोगों के एनर्जी बना, केमिकल बना देगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बना देगा। तो अब अगर हम अपने एक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, असीम केंद्रक, असीम केंद्रक, असीम केंद्रक का मतलब क्या है भैया, इसके केंद्रक, ये सेल है, सेल के इर्द गिर्द ये जो इसका मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, और इसमें जो न्यूक्लियस होगा ना, ये भी इधर उधर डोल रहा है, ये इसका न्यूक्लियोइड है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है बेटा, न्यूक्लियोइड हो जाता है। ठीक, तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं, ये न्यूक्लियोइड इसका जेनेटिक मटीरियल हो जाता है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, तो अब हमने एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया पकड़ा, उसके अंदर हमने देखा उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। नॉर्मली जो क्लोरोफिल मिलता है हम हमेशा उसको पढ़ते हैं किसमें, कि मैम ये तो प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, तो फिर अब हम, अरे ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कहाँ से आ गया, तो अब इसके आंसर में क्या कर दोगे, आंसर आप क्या कहेंगे कि मैडम जब भी हम एक क्लोरोफिल वाले बैक्टीरिया को देखते हैं, ठीक है, तो वो उसके अंदर देखो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स का मतलब क्या होता है, कि उसकी जो मेम्ब्रेन है ना उसमें से हम किसी चीज को एक्सक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं अपनी जो गोल्जी बॉडीज होती हैं वो क्या कर रही हैं, वो आपके कुछ वेसिकल्स को, प्रोटीनस वेसिकल्स को या फैट वेसिकल्स को बाहर भेज रही हैं, तो वो आपके वेसिकल्स हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स इसके अंदर बेटा पाए नहीं जाते। ठीक है, क्रोमोसोम्स कभी भी प्रोकैरियोट्स के अंदर मिल नहीं सकते, प्लास्टिड्स उसके अंदर कभी मिल नहीं सकते। तो अब इनमें से क्या चीज आंसर हो सकती है, हाँ प्लास्टिड आंसर कर दिया, बिल्कुल गलत है आंसर। चलो अब सोचो, अब मैंने तो ऑप्शन भी आपके एलिमिनेट कर दिए, अब तो आसान हो गया, जल्दी से बताओ। सी सी, अच्छा और भी कुछ, चलो फिर गड़बड़ कर दी। अच्छा देखो यहाँ पे देखो बेटा, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड का काम क्या होगा, केंद्र काबो का काम क्या होगा बेटा, ये जेनेटिक मटेरियल को होल्ड कर रहा है, वहां लिखा है मैंने ये चीज। ठीक है, क्या है ये, आनुवांशिक सामग्री को होल्ड कर रहा है, आनुवांशिक सामग्री इसके पास है। तो अब ये जो आनुवांशिक सामग्री है, क्या इसका कोई रोल हमें फोटोसिंथेसिस में मिलेगा, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये मेम्ब्रेनस वेसिकल्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा, झिल्लीमय पुटिकाएं हो जाती हैं, उन्हीं से ये संबंधित हो जाता है। गलत कर दिया बेटा हर्ष, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, हलवा सवाल, चलो जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा एक ऐसा जीव है जो क्या है, जो आपके स्लीपिंग सिकनेस से रिलेटेड होता है, जो आपका स्लीपिंग सिकनेस से बेटा रिलेटेड होता है।
जल्दी से बताएंगे, बीबीबी सीसी। ठीक है प्रियांशु, इसके लिए ना बेटा एक काम करना, जो हमारी इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ठीक है, जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था जिसमें हमारी टीम इंट्रोडक्शन था, उसमें आप देख लीजिएगा कौन कौन से एग्जाम मेरे क्लियर हैं, ठीक है। और स्ट्रैटेजी तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने जीएस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी, तो आपने शायद पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, आप एक बार उसको देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रियांशु नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाता है, निद्रालु व्याधि, भाई साहब सोने की बीमारी, सोने की बीमारी या नींद की बीमारी, ठीक है। तो ये जो नींद की बीमारी होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी इंसान है उसको क्या हो जाएगा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ट्रिपैनोसोमियासिस, ठीक है। ये जो ट्रिपैनोसोमियासिस होता है बेटा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ट्रिपैनोसोमिया नाम का एक प्रोटोजोआ आपके शरीर के अंदर घुस जाता है। कौन लेके आता है, वेक्टर कौन है, वेक्टर है बेटा सीसी फ्लाई, ठीक है। और ये जो सीसी फ्लाई होगा ना, ये आपके शरीर के अंदर इस ट्रिपैनोसोमा को लेके आता है, ठीक। और उसकी वजह से क्या होगा, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। और इस ट्रिपैनोसोमा की वजह से क्या हो जाएगा, ट्रिपैनोसोमा की वजह से आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको स्लीपिंग सिकनेस हो सकता है। सीसी मक्खी का नाम भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पेपर में ये पूछा जाता है। जो बच्चे लिशमैनिया आंसर कर रहा है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, लिशमैनिया क्या है बेटा, काला आजार, ठीक है, ध्यान रखोगे। एस्कैरिस क्या है, एस्कैरिस राउंड वॉर्म के कारण, राउंड वॉर्म को एस्कैरिस कहते हैं, और ये बायलेट वो इसकी रेडियल सिमेट्री होती है, कहीं से भी इसको इक्वली कट कर सकते हो आप कितने भी हाफ्स में। हेलिकोबैक्टर जो होता है पाइलोरी, ये क्या है बेटा, इसके कारण होता है आपको पेप्टिक अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव स्मूथ मसल्स, बताइए हमारी बॉडी के इनमें से कौन से पार्ट में स्मूथ मसल्स नहीं पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स किस में नहीं मिल रही, यूरेटर्स में, आयरिस ऑफ आई, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, या फिर बाइसेप्स, क्या आंसर कर दोगे, किसके अंदर स्मूथ मसल्स नहीं पाए जाते हैं। हाँ देन आई एम गाय बी, ओके, बाइसेप्स के अंदर स्मूथ मसल्स नहीं मिलते, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। देखो यूरेटर्स जो है, आयरिस ऑफ आई जो है, और जो ब्रोंकाई है, ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनके साथ हमारी कोई स्केलेटल हड्डी नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। और जिनके साथ भी हड्डी जुड़ी होती है ना, उनमें क्या होता है, जैसे आपकी बाइसेप्स वाली मसल, ये तो इसमें क्या है, यहाँ पे स्केलेटल मसल जुड़ी होगी, स्केलेटल मसल जुड़ी हुई होगी, ठीक है, क्या कंकाली पेशी यहाँ पे जुड़ी होगी, ठीक है जी। तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा बेटा, कंकाली पेशी हमें देखने को मिलने वाली है, ठीक जी। तो बाइसेप्स इसका सही आंसर हो जाता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स, इनटू या फ्रॉम, फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, यानी कि जो एक सब्सटेंस है वो किसी भी मैटर के, मैटर से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है थ्रू एनी फिजिकल प्रोसेस, किसी भी एक फिजिकल प्रोसेस से। दूसरा देखो, डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, चलो मुझको बताओ जरा जल्दी से। एक कोई भी जो पदार्थ है किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में से पृथक किया जा सकता है। अब देखो, अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें, हमने कोई भी एक सब्सटेंस लिया, उसको हम फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, क्या ये चीज़ हमेशा ट्रू होगी, क्या ये चीज़ हमेशा ट्रू होगी, कोई भी एक सब्सटेंस हम हमेशा अदर काइंड्स ऑफ मैटर से अलग कर सकते हैं। जैसे फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है, जैसे फिजिकल प्रोसेस के अंदर आ जाता है आपका डिस्टिलेशन आ गया, एवेपोरेशन आ गया, ये सब क्या फिजिकल प्रोसेसेस, ठीक है, फिजिकल प्रोसेसेस हो गए। तो क्या इसके थ्रू हम हमेशा सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सोचो जल्दी से। और दूसरा क्या है कि द डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, एवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर आपने पानी को उबाला, जिससे क्या हुआ, नमक नीचे रह गया, पानी उड़ गया, ठीक है, ये इवेपोरेशन का प्रोसेस है। तो क्या ऐसे हम अपने डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं, तो देखो
अगर हम यहाँ पे बात करें एक सब्सटेंस को अदर काइंड्स ऑफ मैटर से अलग करने के लिए, हम मेजरली ज्यादातर क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट समटाइम्स वी ऑल्सो नीड सम केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है, कभी कभार हमको कुछ केमिकल प्रोसेसेस का भी उपयोग करना पड़ सकता है, ठीक है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, जल्दी से बताएंगे, समझ गया, ओके, यस यस, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ना बेटा, हम लोग क्या देखेंगे कि मैडम कुछ केमिकल, सम केमिकल प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, जो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं वो है आपका क्रिस्टलाइजेशन, कि आप क्रिस्टलीकरण कर रहे हो, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के अंदर आपको हीट देनी पड़ी, ठीक है, हीट दे के आपका क्या हुआ, जो आपका पदार्थ है वो प्रेसिपिटेट बन गया या फिर वो अलग हो जाता है, तो वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे आप हमेशा फिजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ना पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि आपको फिजिकल के साथ साथ क्या होगा, फिजिकल के साथ साथ आपको एक केमिकल प्रोसेस भी यूज करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसे अगर आप देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि आप क्रूड ऑयल को, क्रूड ऑयल से अपना पेट्रोल निकाल रहे हो, नेफ्थलीन निकाल रहे हो, ये सारी चीजें क्या है, ये सब आपके केमिकल प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखो, डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड, ये बात तो सही है, तो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ओनली टू इज ट्रू, बाकी सारी चीजें क्या है, बाकी सारी चीजें आपकी केमिकल प्रोसेस भी रिक्वायर हो सकती है, आप सिर्फ फिजिकल प्रोसेस बोलो तो वो काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखिए, Which of the following statements is not correct? बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटोन्स दे पोसेस, मतलब एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उनके अंदर कितने प्रोटोन्स हैं उसके आधार पे। दूसरा देखिएगा बेटा, दूसरा क्या आ जाता है, आइसोबार्स आर एटम्स हैविंग सेम एटमिक नंबर बट डिफरेंट एटमिक मास। अच्छा, एटमिक नंबर सेम है आइसोबार्स में, आइसोभार, आइसोभार बोले तो संभारिक, संभारिक बोले तो जिनका भार सेम हो, भार सेम, जैसे जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया आपका कार्बन 14 6 और नाइट्रोजन 14 7, ठीक है, ये संभारिक हो गए। नेक्स्ट देखो, तो क्या इनका सेम एटॉमिक नंबर है, नहीं मैम, डिफरेंट मास नंबर है, नहीं मैम, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है, अच्छा ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक। नेक्स्ट देखो, द मास नंबर ऑफ अ प्रो एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड इट्स न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कार्बन 14 का मतलब क्या है कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे टोटल 14 न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, और उसी से आपने इसका मास नंबर डिसाइड किया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, वैलेंसी क्या है, किसी भी एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, तो इसका मतलब कि हमसे क्या पूछा था, नॉट करेक्ट पूछा था, कथन सही नहीं है, तो तत्वों का निर्धारण उनके अंदर कितने प्रोटोन है, भैया अगर किसी के अंदर 6 प्रोटोन है उसको कार्बन बोल दोगे, किसी के अंदर 10 प्रोटोन है उसको नियॉन बोल दोगे, है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखो, इफ द स्पीड ऑफ अ मूविंग मैग्नेट इनसाइड अ कॉइल इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल, चलो बताओ जरा जल्दी से, हमने क्या बोला कि हमने द स्पीड ऑफ अ मूविंग मैग्नेट इनसाइड अ कॉइल, ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है,
ठीक, इसके अंदर हमने एक मैग्नेट जो है उसको जो मूव करा रहे थे, अगर वो हमने इंक्रीज किया तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें जो करंट है वो क्या होगा, तक किसी चुंबक को अगर हम वो करते हैं तो चुंबक को उसके अंदर बहुत तेजी से मूव कराते हैं। नाइम गाय हर्ष, जल्दी से बताएंगे बेटा क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग क्या कहेंगे कि मैडम अगर हम कभी भी एक चुंबक को मूव कराएंगे ना तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से यहाँ पे वो जो चुंबक है वो बहुत तेजी से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट कराएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से यहाँ पे जो आपकी स्पीड है वो जो मैंने आंसर हटाया है वही हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी बेटा? स्पीड आपकी बढ़ जाती है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही, सही आंसर कर दिया आपने। नेक्स्ट देखिए, सोप सोल्यूशन यूज फॉर क्लीनिंग पर्पज अपीयर्स क्लाउडी, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप मिसल्स कैन डैश। जब हम सफाई के लिए जो साबुन का घोल इस्तेमाल करते हैं वो क्या हो जाता है बेटा? क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, तो अब उसके क्लाउडी होने का कारण क्या है कि जो सोप मिसल्स होते हैं, सोप के ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम मिसल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सोप मिसल्स होते हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं लाइट को, स्कैटर करते हैं लाइट को, डिफ्रेक्ट करते हैं लाइट को, या फिर पोलराइज कर देते हैं लाइट को। तो आप लोग क्या कहेंगे कि मैम जब भी इस तरीके से हमको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग यह देखेंगे कि यहाँ पे जो भी आपकी लाइट रे होगी ना वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी स्कैटर। स्कैटरिंग की वजह से क्या होगा भाई? अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जो हमारा बादल है उनको सफेद दिखाई दे रहा है, किस वजह से दिखाई दे रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, है ना? तो इसी तरीके से क्या, हाँ बिल्कुल सही सौरभ, बिल्कुल सही हर्ष, बहुत बढ़िया हर्ष। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मैम? जो प्रकाश की किरण है उसका क्या होगा बेटा? उसका प्रकीर्णन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बेटा? प्रकीर्णन हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीपल प्रेफर टू वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कॉटन क्लोथ्स आर डैश। बताइए, कोई भी जो इंसान होता है वह क्या चाहता है? वह भैया गर्मियों में एकदम हल्के रंग के कपड़े पहनता है, ठीक है, और इसके अलावा क्या करेगा? पतले कॉटन के कपड़े पहनता है। रीजन वाई, वाई द पर्सन वॉन्ट्स टू वियर कॉटन क्लोथ्स? तो इसका रीजन बेटा ये हो जाता है कि नंबर वन आपको आंसर देना है इसका, इट कॉटन क्लोथ्स आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ वाटर। क्या ये वाटर के अच्छे अवशोषक हैं, पानी को अच्छे से अवशोषित करते हैं? लेकिन इस बात से फर्क क्या पड़ा? पसीना सोख लेगा, फायदा क्या है ना? दूसरा देखो, दे आर गुड कन्वेयर्स ऑफ हीट, ये ऊष्मा के अच्छे वाहक होते हैं, अच्छा इजीली ट्रांसफर होने देते हैं हीट को। तीसरा देखो, दीज आर गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट, मतलब ये हीट को क्या कर देते हैं, वापस भेज देते हैं, रिफ्लेक्टर्स है। रेडिएटर्स की बजाय आप रिफ्लेक्टर्स लिखो, रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट, जो गर्मी आ रही है ना उसको टकरा के वापस भेज देते हैं। ठीक है, लास्ट आ जाते हैं, दीज आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट, हीट को अच्छे से अवशोषित कर लेते हैं। क्या आंसर करोगे? इसी बात है ना, हीट को ये अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ऊष्मा के अच्छे क्या होते हैं, परावर्तक होते हैं, और इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से हमारे को गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े, कॉटन के कपड़े हमें पहनने पसंद आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एम्प्लॉइंग क्रोमैटोग्राफी वन कैन नॉट सेपरेट। अब देखो अगेन वही चीजें आ गई, ये आपका सेपरेशन ऑफ पार्टिकल से ही कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, सेपरेशन ऑफ मैटर से ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे कहता है कि क्रोमैटोग्राफी से हम क्या चीज अलग नहीं कर सकते? ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, पिगमेंट्स ऑफ नेचर फ्रॉम अ नेचुरल कलर, भाई एक नेचुरल कलर है उसमें से पिगमेंट्स अलग नहीं कर सकते, कलर्स फ्रॉम अ डाई, और रेडियो आइसोटोप्स। देखो जब भी हम क्रोमैटोग्राफी की बात करते हैं ना, क्रोमैटोग्राफी या वर्ण लेखन जो है इसमें क्या होगा, क्रोमा शब्द का मतलब होता है कलर। ठीक है, क्या हो जाता है, कलर हो जाता है, ग्राफी मीन्स लेखन, कि कलर की वजह से जो लेखन हमें देखने को मिलता है उसको हम क्रोमैटोग्राफी कह देते हैं। और यहाँ पे जो रेडियो आइसोटोप्स है ना बेटा वो हम अलग नहीं कर सकते। अच्छा मैम फिर बाकी चीजों को कैसे अलग करते हैं? देखो क्या किया जाता है, आप एक एग्जाम्पल करना, क्या करना, एक पेपर लेना व्हाइट कलर का, और व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर आपके पास स्केच पेन होगा या कोई भी काले रंग का पेन होगा, उस काले रंग के पेन से ना ड्रॉइंग बना देना और उस पेपर को फोल्ड करना अच्छे से, उसकी एक टिप बना देना,
ठीक है, पेपर को ऐसे ऐसे फोल्ड करके उसकी एक छोटी सी नोक बन जाएगी, 3-4 बार फोल्ड कर लेना उसको बस, ठीक है। जो उसकी जरा सी सी नोक होगी ना, उसको क्या करना, उसको हल्का सा, मतलब एक ग्लास लेना, ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी भरना, और उसकी जो पेपर की जो टिप है ना, उसको उस पानी से टच करा देना। फिर आप देखोगे कि वो जो कलर्स होंगे ना, वो ऊपर 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 फ्लो फ्लो होंगे पानी के साथ साथ। या फिर अगर आपके पास जो रबिंग अल्कोहल होती है, ठीक है, अगर वो आपको मिल जाए, जैसे आप लोग अपना थर्मामीटर साफ करते हो, या फिर अरे हैंड वॉश का इस्तेमाल करोगे ना, उससे भी हो जाएगा। थोड़ा सा हैंड वॉश लेना, उसको से टच करा देना, जो रबिंग अल्कोहल होगा या हैंड वॉश होगा, हैंड सैनिटाइजर, सॉरी, हैंड सैनिटाइजर से जब टच कराओगे तो वो जो कलर्स है ना, ऊपर ऊपर मूव करेंगे, और आप देखोगे वहां पे किस तरीके से कलर्स अलग हो जाते हैं। उसी को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं बेटे, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसको? उसी को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मार्सीलिया, फॉन एंड हॉर्स टेल आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जल्दी से बताइए, जो मार्सीलिया है, फर्न है और हॉर्स टेल्स है, ये किसका एक एग्जाम्पल है? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मॉसेस की अगर आपसे पूछी जाए तो वो होते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। अगर आपसे एल्गे पूछा जाए तो वो होते हैं थैलोफाइट्स, ठीक। अगर आपसे मर्सीलिया, फर्न और हॉर्सटेल पूछ ली जाए तो ये सब क्या है बेटा? ये सब है आपके टेरिडोफाइट्स। क्या है? टेरिडोफाइट्स हो जाते हैं, जिनको हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कह देते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम आप इनको कह देते हैं। क्या कह देंगे बेटा? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत के क्या कह देते हो आप इनको? सरीसृप कह देते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन? सोचिए, प्लांट का जो कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है? हाँ, टेरिडोफाइट, बिल्कुल सही है बच्चा। तो यहाँ पे देखो, प्लांट का ऐसा कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है, जो आपके फलों को पकाने का कार्य करता है? नेचुरल राइपनर कौन सा है? देखो, आर्टिफिशियल राइपनर मैं बताती हूँ, तब तक आप नेचुरल राइपनर का बताइए। आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनर कौन सा है? तो आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनर होता है बेटा C2H2। जब ये जो C2H2 गैस रिलीज होती है, उसकी वजह से फूल जो फल होता है आपका, वो पक जाता है कृत्रिम रूप से। ये जो गैस है, ये प्रोड्यूस कराई जाती है। बेसिकली इसको ऐसे समझिएगा कि बेसिकली आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि आम, आम का सीजन चल रहा है ना, तो डाल के आम है कि पाल के आम है, ऐसे जाना। डाल के आम जो होंगे उनमें क्या होगा? उनमें नेचुरल इथाइलीन गैस, जिसको हम बोलते हैं इथीन, C2H4, ठीक है। ये जो इथीन गैस होगी, ये यहाँ पे इस्तेमाल होगी, ठीक है। अच्छा, जो पाल के आम होते हैं, यानी कि जिनको हमने आर्टिफिशियली पकाया है, उसके अंदर क्या किया गया? उसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड के साथ आपने वाटर का रिएक्शन कराया, आप उसके ऊपर पानी डाल देते हो, जिससे क्या होगा? जिससे वहां पे इथाइन गैस निकलती है, जिसको आप एसिटिलीन भी कहते हो, ठीक है। और ये जो C2H2 गैस होती है, यही आर्टिफिशियल राइपनर का इस्तेमाल करती है, ठीक है जी। इसी को हम कहते हैं बेटा क्या? आर्टिफिशियल राइपनर। नेक्स्ट देखो, अमंग फर्न्स, मॉसेस, एल्गे एंड फंगस, क्लोरोफॉर्म इज फाउंड इन? बताइए, चार एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, ये बताना है इनमें से किस में क्लोरोफिल मिल जाएगा। क्लोरोफिल क्या है बेटा? मैग्नीशियम धातु वाला, मैग्नीशियम मेटल वाला एक पिगमेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है? हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कैसे करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प? तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो आपका प्लांट होगा ना, इस प्लांट के अंदर से क्या होगा, क्लोरोफिल जो होगा सनलाइट को ट्रैप करता है। सनलाइट को जैसे ही ट्रैप करेगा, जो पानी ने अपने जड़ों से पानी, वो प्लांट ने जड़ों से पानी लिया था, उस जड़ों उस पानी को तोड़ देता है हाइट एच प्लस आयन में और OH नेगेटिव आयन में। फिर ये जो एच प्लस आयन है, ये क्या करेगा? ये जाके रिडक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसकी वजह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस क्लोरोफिल का। अब ये क्लोरोफिल कहाँ मिलना चाहिए मैम? एक तो ये बैक्टीरिया में मिल सकता है, जो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनके अंदर। दूसरा, फर्न्स। फर्न्स क्या है? हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि फर्न्स क्या है बेटा? टेरिडोफाइट है, ठीक
ठीक है, मॉस क्या है बेटा? ब्रायोफाइट है। एल्गे क्या है? थैलोफाइट है। और जहां जहां जिस जिस के पीछे फाइटा लग जाए, समझ जाना कि ये सब क्या है, प्लांट्स हैं। ठीक है, तो एल्गे भी प्लांट है, फर्न भी प्लांट है, मॉसेस भी प्लांट है। तो अगर ये सारे प्लांट है तो इनके अंदर तो पक्का आपको क्या मिलेगा? पक्का आपको फोटोसिंथेसिस के लिए प्रक्रिया मिलेगी। लेकिन जो फंगस होता है, फंगस क्या है बेटा? फंगस तो अलग एक किंगडम है पूरा, और उसके अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करता है, ऋतोपजीवी पोषण करता है, ऋतोपजीवी पोषण करता है। ठीक है, क्या करेगा बेटा? मृतोपजीवी पोषण ये करता है। ठीक बेटा, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी? बताइए इनमें से इकोलॉजी के कौन से कंपोनेंट्स को अबायोटिक कहते हैं? अबायोटिक मतलब जिसमें जीवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बायोटिक में कौन कौन आ जाएगा? बायोटिक में जो आपके सारे किंगडम आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया आ जाएगा, जैसे इसके अंदर प्रोटिस्टा आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर फंगस आ जाएगा, इसके अंदर प्लांट्स आ जाएंगे, इसके अंदर एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सब जीव इसके अंदर आ गए। जबकि अबायोटिक में इनके अलावा जो भी चीजें हैं, जैसे सूरज, हवा, पानी, मिट्टी, ठीक है, पहाड़, सारी चीजें क्या है बेटा? अबायोटिक कंपोनेंट है जिनमें जीवन नहीं है। तो प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो सॉइल क्या है बेटा? अबायोटिक कंपोनेंट हो जाती है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया हर्ष, बहुत बढ़िया प्रियांशु। नेक्स्ट देखिए, हाँ बताइए, इकोलॉजी सिस्टम के अंदर इनमें से किसको हम क्या मानते हैं? इनमें से किसको हम प्रोड्यूसर की संज्ञा देते हैं? प्रोड्यूसर किसको कहा जाता है? कौन है प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर कौन है? जल्दी से बताएंगे, क्लास को शेयर भी कर देंगे सभी बच्चे, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर देना। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किसे उत्पादक माना जा सकता है? जो उत्पादन करता है, कौन करता है बेटा? प्लांट्स ही होते हैं जो उत्पादन करते हैं। कहोगे मैम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो करते हैं ना बेटा, लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं करते, तो इस वजह से बिल्कुल सही अनुव्रत, बहुत बढ़िया हर्ष, आंसर क्या हो जाएगा? प्लांट्स हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेजर टू सेव वन फ्रॉम रेडिएशन इफेक्ट्स? सोचो इनमें से कौन सा रेडिएशन इफेक्ट से बचने का एक इफेक्टिव मेजर नहीं है, एक अच्छा तरीका नहीं है? सोच के बताइए। लिमिट टाइम यानी कि आप कम समय के लिए रेडिएशन के संपर्क में रहिए, इंक्रीज द डिस्टेंस आप दूरी बढ़ा लीजिए। ठीक है, आपको नीचे वाले ऑप्शंस दिख रहे होंगे, आप दूरी बढ़ा लीजिए। तीसरा देखिए, ढाल का प्रयोग कीजिए यानी कि शील्ड का उपयोग कीजिए। और चौथा हो जाता है स्टे इन ग्राउंड, जमीन के नीचे चले जाइए। क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से कौन सा एक सही तरीका हो सकता है? ओके, देखो यहाँ पे जरा ना थोड़ा सा सही सोचना पड़ेगा हमें, हमें अपनी दिशा सही करनी पड़ेगी। हम यहाँ देखो, अगर ये एक क्षेत्र है, ठीक है, ये एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के अंदर क्या है? इस क्षेत्र के अंदर पर्टिकुलरली, वैसे तो ये सारे ही ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं, लेकिन इनमें से हमको बेस्ट आउट ऑफ इट निकालना पड़ेगा। मतलब कौन सा बिल्कुल ही सबसे बेकार हो सकता है, हमको वो देखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अगर आपने अपना टाइम, जैसे इस क्षेत्र के अंदर रेडिएशंस हो रही, अब वो रेडिएशन बेटा हो सकता है लैंड में से निकल रही हो, ठीक है, अगर वो लैंड रेडिएशंस हैं, ठीक है, जमीन में से निकल रही है, तो आप ये सोचो अगर हम ग्राउंड के अंदर ही जाके बस जाएंगे तो हम रेडिएशन के और ज्यादा नजदीक हो गए ना। ठीक है, अच्छा अगर हमने टाइम बढ़ा लिया, टाइम कम कर दिया, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से हम रेडिएशन के संपर्क में कम आए, और वो क्या हो जाएगा? वो आपका रेडिएशन इफेक्ट को कम कर देगा। दूसरा देखिए, अगर हम दूरी बढ़ा लेते हैं, बेटा रेडिएशन यहाँ निकल रही है, आप यहाँ रहने लग गए, बहुत दूर रहने लग गए,
ठीक है, तो क्या आपको यहाँ से फायदा नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो जो जापान में लोग रह रहे हैं उनके ऊपर रेडिएशन का फर्क पड़ रहा है, हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारा दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई जो जापान के बगल में लोग रह रहे होंगे उनको तो रेडिएशन का इफेक्ट आ रहा होगा, हाँ कि ना? तो ये इसका मतलब क्या है, अगर हम दूरी बढ़ा लेंगे उससे हमको फायदा होगा। यूजिंग शील्ड, अगर हम शील्ड वाले कपड़े पहन लेंगे ठीक है, तब भी हमको क्या होगा, फायदा होगा, है ना? क्योंकि हम कुछ लेड के कपड़े हमने पढ़ लिए पहन लिए, या फिर हमने कोई लेड का एक दीवार उसके पीछे चले गए, उसकी वजह से भी रेडिएशन से बच जाएंगे। लेकिन अगर हम ग्राउंड के अंदर ही रहते हैं और जो रेडिएशन है मान लीजिए वो ग्राउंड से ही आ रही है, और ग्राउंड जो है ना बेटा, एक और चीज देखिएगा कि ग्राउंड के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होने जरूरी है, जैसे लेड अच्छा खासा रेडिएशन को रोक सकता है, लेकिन मिट्टी अच्छी खासी रेडिएशन को रोकने में उतनी ज्यादा सक्षम नहीं, ठीक है? सक्षम है, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन बेस्ट आउट ऑफ देम, इन चार में से अगर हमको किसी एक को मना करना है तो वो कौन सा है बेटा, वो आपका जमीन में रहने वाला है कि यार ये मत करना, हो सकता है कि जो रेडिएशन है वो आपको इम्पैक्ट कर जाए, समझे? तो इस वजह से दूरी बढ़ाना तो अच्छी चीज है, आप उसको आंसर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, इनमें से कौन से कथन सही है? सही पूछा है ना, हाँ ट्रू बताना है आपको। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इट वाज अडॉप्टेड ऑन 15 सितंबर 1987, अच्छा जी। दूसरा है देयर आर 198 कंट्रीज ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सस्टेन द ग्लेशियर्स ऑफ एंटार्क्टिका, अच्छा चलो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का काम क्या है जल्दी से बताएंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए जरूरी है, तो आप आंसर क्या कर दोगे? देखो यहाँ पे देखते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली आपके ओजोन कंजर्वेशन के लिए था, एंड जिस टाइम पे, ये ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, तो अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो उस टाइम पे मतलब सीधा सीधा आंसर हमको यहाँ पे तो गलत ही दिख रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ओजोन लेयर से रिलेटेड है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, ये तो आंसर नहीं हो सकता कि जहाँ जहाँ तीन है उसको काट दीजिए, तीन तीन तीन, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर डी बनता है। अब यहाँ पे देखो इसकी नंबर ऑफ कंट्रीज जो है ना, मेंबर कंट्रीज, इट हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, लेकिन उस समय पे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, तो इस वजह से हमको डी आंसर यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इफ वी मैनिपुलेट वन और मोर जीन्स, मतलब इनमें से किसका मतलब है कि हमने एक या एक से अधिक जीन्स को क्या किया, मैनिपुलेट किया, उसके अंदर चेंजेस लाए, ठीक है? तो उसको नहीं दिख रही क्या आप लोगों को? तो यहाँ पे देखो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा आपका वो टर्म है जो ये बता रहा है कि हमने एक से अधिक जीन्स को क्या किया है, उसके अंदर चेंजेस कर ली। यहाँ पे देखो जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा, हाँ ओके डी आएगा, डी आएगा, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बेटा, डी आंसर हो जाता है। आगे चले, अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखो जब भी हम क्या देखते हैं, जब भी हम देखते हैं कि हमने अपने जीन के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, तो उस चेंज को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, उस चेंज को हम लोग कह देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है? क्या कह देते हैं बेटा हम उसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग कह देते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि आपने अपने जीन के अंदर, ग्रुप ऑफ जीन्स के अंदर आपने यदि चेंज कर दिया है, दैट इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगला देखिए, चलो ये वाला क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का आ गया, बट कोई नहीं, हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सलाइन सॉइल्स इन इंडिया, भारत के अंदर जो सलाइन सॉइल्स है उनके बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इट इज फाउंड ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, प्रत्येक राज्य में आपको सलाइन सॉइल्स मिल जाएंगी। दूसरा आ जाता है कि बेटा यह आपकी काफी ज्यादा फर्टाइल सॉइल्स होती हैं, तो बेटा कहाँ से आपकी फर्टाइल सॉइल हो ही जाएंगी, ठीक है? ये कभी भी फर्टाइल नहीं होती है, तो जहां जहां दो है उसको तो पहले ही हटा देना, ठीक है? नेक्स्ट देखो, सलाइन सॉइल हैज एक्सटेंसिव लेवल्स ऑफ सल्यूबल सॉल्ट्स इन सॉइल वाटर, सोच के बताओ क्या आंसर हो जाएगा? आप कहेंगे कि मैम देखो सिंपल सी चीज है, हमारे भारत के अंदर ना हर जगह आपको सलाइन सॉइल्स मिल जाती हैं, ठीक है? यस, ये बात बिल्कुल ट्रू है, ये फर्टाइल नहीं होती है, उतनी अच्छी फर्टाइल नहीं होती है, फर्टिलिटी इनकी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए, सलाइन सॉइल हैज एक्सेसिव लेवल्स ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट इन सॉइल वाटर. भैया सॉल्ट ज्यादा है तभी तो उसको सलाइन सॉइल कह रहे हैं, तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा बेटा? एकदम सही आंसर हो जाता है. बिल्कुल सही हर्ष, अनुव्रत, करण, प्रियांशु, बहुत बढ़िया बेटा. नेक्स्ट देखिए, विच इज स्प्रिंटर्स डिस्प्लेस वॉट इज स्प्रिंटर्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग अ राउंड ऑन अ सर्क्युलर पाथ विद अ सर्कमफेरेंस ऑफ 400 मीटर. एक 400 मीटर की परिधि, ये इसका जो पाथ का ट्रैक जो है वो 400 मीटर का है, ठीक है. अब एक इंसान क्या करता है, एक इंसान यहाँ से शुरू करता है, ए पॉइंट से उसने चक्कर मारा और चक्कर मार के वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो आपको बताना है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है. ओ माय गॉड, दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन. कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सॉल्व कर पाओगे क्या आसानी से? ओके, अरे भाई साहब, ये टफ क्वेश्चन का तो आपने हलवा बना दिया. बिल्कुल सही बेटा, आंसर क्या हो जाता है मैम? विस्थापन की बात करी गई है. विस्थापन जो हो जाता है ना, वह क्या है? लीस्ट डिस्टेंस या फिर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट. मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट. स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाता है. और ये क्या है बेटा? ये जीरो है. क्या है बेटा? शून्य हो जाता है. ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जहां से शुरू किया वापस वहीं आके खड़ा हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो, और इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो. लेकिन अगर आपसे यहाँ पे डिस्टेंस पूछ लेता तो डिस्टेंस कितना हो जाता? आप कहते मैम डिस्टेंस हो जाता 400 मीटर का. कितना हो जाता? 400 मीटर का डिस्टेंस हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज कॉजेज द बॉडी टू बी अनेबल टू चेंज द एट्रीब्यूट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑन इट्स ओन. इनमें से किसके कारण शरीर अपने आप आराम की जड़ता, यानी जो जड़त्व है, स्थिरता का जड़त्व है, के गुण को बदलने में असमर्थ हो जाता है? सोच के बताइए, क्या इसमें से ऐसा रीजन है जिसके कारण कोई भी जो बॉडी है वो जब रेस्ट में रहना चाहती है वो तो रेस्ट में ही रहती है, वो अपना चेंज नहीं करना चाहती? जल्दी से बताइए किसके कारण होगा ये. यहाँ पे देखो, जब भी कोई भी वस्तु है, अगर जैसे अगर मैंने एक टेबल रख दी किसी जगह पे, ठीक है, अब वो टेबल अपनी जगह पे रखी हुई है, कब तक रखी रहेगी? जब तक उसके ऊपर हम लोग क्या ना कर दे बेटा, जब तक हम के ऊपर कोई बाह्य बल ना लगे, ठीक है, जब तक हम उसके ऊपर क्या ना लगाए, जब तक हम उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं, तब क्या हो जाएगा? तब तक वो अपनी, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई भी जो एक वस्तु है वो अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है उसको वो चेंज क्यों नहीं करना चाहती, मतलब कैसे नहीं कर सकती? चाहती तो होगी बेशक, लेकिन वो कर नहीं पाती किसके कारण? पहला है द स्टेट ऑफ रेस्ट ओन, केवल आराम की स्थिति के कारण, ये पहला ऑप्शन है. दूसरा है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली, यानी कि जो मोशन का डायरेक्शन है के कारण हो जाता है. तीसरा देखिए, तीसरा कहता है द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यानी कि एक समान रैखिक गति की स्थिति के कारण. तो बेटा अगर वो ऑलरेडी रैखिक गति में है तो उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट डेवलप कहाँ से हो जाता है? और लास्ट है द स्टेडी स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि आराम की स्थिर स्थिति के कारण, कि भैया वो बिल्कुल ही आराम की स्थिर स्थिति के अंदर है. तो अब आप खुद सोचिए कि ओके, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज में. देखो यहाँ पे, तो ये जो टेबल जिसको हमने यहाँ पे रख रखा है वो अपनी जगह से हिल नहीं रही है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेटा स्टेट ऑफ रेस्ट है, ठीक है. अब ये स्टेडी स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? कि आराम की स्थिर स्थिति, कि भैया वो बिल्कुल जो रेस्ट की स्टेट में ना वो स्टेडी है, बिल्कुल अपनी जगह से क्या नहीं कर सकती है. दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं. तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोनों ऑप्शन सेम है. इसमें ऑप्शन नंबर स्टेट ऑफ रेस्ट एंड डायरेक्शन,
ठीक है, केवल आराम की स्थिति, आराम व दिशा की स्थिति के कारण। अब सही है, ऐसे तो हम दो आंसर करने पड़ते हैं। ठीक है, ये जो है ना वो हो गया है, टाइपिंग एरर आ गई है यहाँ। तो यहाँ देखिएगा द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड डायरेक्शन, मतलब कि उसमें स्थिरता की भी स्थिति है और डायरेक्शन की भी स्थिति है, उसके कारण ये, तो ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि अगर डायरेक्शन की भी स्थिरता उसके अंदर है तो उसकी वजह से वो खुद को चेंज नहीं कर पा रही, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर कि यहाँ पे आराम की स्थिर देखने को मिल रही है। ठीक है, ओके ओके ओके। हम क्लास कब तक चलेगा बेटा, बस आधा घंटा और उसके बाद फिर हम। यहाँ पे देखिए, हाउ डू वी डिटरमाइन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बताइए। हम अपनी पृथ्वी के सरफेस के ऊपर किसी भी वस्तु का जो वजन है वो कैसे मापते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स, भैया उसके अंदर कितने पदार्थ का मात्रा शामिल है। दूसरा है रेफर्स टू इट्स इनर्शिया, इसकी जड़ता को संदर्भित करता है। तीसरा है सेम एज इट्स मास बट एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, अच्छा बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखो, द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एंड सेंटर ऑफ द अर्थ, अच्छा नाइस। देखिए जरा कितना, हर हर महादेव शनि, गुड इवनिंग पवन, प्यांशु, सी ऑप्शन गलत हो गया। चलो करण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो सी, सी लग रहा है आंसर, बहुत बढ़िया, सी वाले बच्चे पढ़ना छोड़ दिया है, मेरे को दिख रहा है। यहाँ पे देखो क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स, क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स का मतलब होता है बेटा मास, क्या हो जाता है कि उस पर्टिकुलर वस्तु के अंदर कितना पदार्थ की मात्रा है, तो वो उसका मास है, क्या है बेटा, वो उसका मास हो जाता है। दूसरा देखो, रेफर्स टू इट्स इनर्शिया, उसके अंदर जो जड़त्व है उसको रेफर करता है। नहीं यार, वजन का मतलब क्या है कि मैं पृथ्वी के ऊपर खड़ी हूँ तो मैं पृथ्वी के ऊपर कितना बल लगा रही हूँ, कितना फोर्स लगा रही हूँ। वेट जो है, जब भी हम वेट की बात करते हैं, वेट का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू ग्रेविटी, और मास इंटू ग्रेविटी क्या ये फोर्स नहीं है, हो गए यस मैम, ये तो फोर्स ही है ना। तो अगर बेटा ये फोर्स है, अगर ये फोर्स है, तो फिर आप यहाँ पे इनर्शिया कहाँ से ले आए, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाता है। सेम एज इट्स मास बट एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, बहुत बढ़िया, मास को मैं किलोग्राम से शो करती हूँ और जो वेट है उसको न्यूटन से शो किया जाता है, हो गया नहीं ना, तो इसका मतलब ये भी गलत। नेक्स्ट देखो, द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिस वजन से या जिस फोर्स से अर्थ हमें अपनी ओर खींच रही है वही तो आपका वजन है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। फॉर वोल्टेज वर्क डन एंड चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स इज करेक्ट, अरे इतना इजी क्वेश्चन, चलो जल्दी से बताओ इसका, गलती से मिस्टेक हो गया, ओहो हो बताइए, बावरी हो रहे हो हैं, चलो है सेठ जी, गलती से मिस्टेक हो गई चलो आ जाओ जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, वर्क डन, वोल्टेज होता क्या है, वोल्टेज का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट या एन अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए आपने कितना कार्य किया। और ये जो पार्टिकल है बेसिकली इट इज अ चार्ज, ठीक है, ये जो पार्टिकल है बेसिकली क्या है, एक चार्ज होगा, चार्ज पार्टिकल होगा कोई भी, ठीक है। तो अगर आप एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक किसी एक चार्ज को लेकर जाते हो, ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वही क्या हो जाता है, आपका वोल्टेज हो जाता है। तो यहाँ पे देख लो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, और इसी के साथ आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन विल अ कन्वेक्स मिरर्स इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, अच्छा सवाल है यार ये तो, मतलब ऐसा तो इतना इतना डीपली तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बट चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कि हमारी सीडीएस और कैसे कैसे अच्छे प्रश्न लेके आती है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहा है कि कन्वेक्स मिरर की कौन सी इमेज ऐसी होगी, कब ऐसे कहाँ हम अपनी वस्तु को कन्वेक्स मिरर कौन सा, जिसके अंदर वैक्स भर दिया हो, उत्तल लेंस हो, उत्तल मिरर,
उत्तल मिरर में ऐसी कौन सी जगह पे मैं अपनी वस्तु को रखूं जिससे जो मेरे को इमेज मिले ना वो बड़ी मिल जाए? पॉसिबल है? कहोगे मैम कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है, यानी कि हमेशा सीधी व आभासी इमेज देगा। इसके अंदर जो भी लाइट रेज होंगी वो कभी एक्चुअली मीट नहीं करती हैं। अगर वो कभी एक्चुअली मीट नहीं कर रही तो उसके अंदर जो इमेज बनेगी दैट वुड बी वर्चुअल ओनली। कैसी बनेगी बेटा? हमेशा वर्चुअल बनेगी। अच्छा, दूसरी चीज, आप इसमें वस्तु को कहीं भी रख लो, आप अनंत पे रख लो, ठीक है, इन्फिनिटी पे रख लो, चाहे आप बिल्कुल यहाँ इसके जड़ में ले आओ वस्तु को, इसकी इमेज हमेशा छोटी बनेगी, ठीक है। इसकी हमेशा हमेशा क्या बनेगी बेटा? छोटी ही बनेगी। देर इज नो सच वैल्यू फॉर यू। यू बोले तो डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, ऐसी कोई वस्तु नहीं और ऐसी कोई दूरी नहीं होती आपकी पोल से जहां पे आपका जो वस्तु हो उसकी जो इमेज होगी वो आपकी बड़ी बन सकती है। कोई पॉसिबल ऐसा रास्ता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ एन एयर बबल इन वाटर बी? बहुत सारा, ठीक है, जो कि कैसा है? जो ब्लू है पानी, ब्लू पानी, ब्लू पानी के अंदर आपने क्या रख दिया? ब्लू पानी के अंदर आप लोग एक वाटर बबल को ले आए। दिस इज वाटर बबल। ठीक है, आपने यहाँ पे एक बबल रख दिया। अब आप हमको बताइए ये पानी का बुलबुला कैसा काम करेगा, सोच के बताना। देखो, याद करना, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 1.33 है। जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.003 या अप्रोक्सीमेट 1 हो जाए। अब आप खुद सोचना, ये पानी का बुलबुला कैसा काम करेगा, किस तरीके से पानी का बुलबुला काम करेगा? सॉरी, हाँ, एयर का बुलबुला पानी में, कन्वेक्शन लेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो, सिंपल सी चीज क्या हो जाती है कि अगर हम कभी भी अपने एक पानी के अंदर अगर हम हवा के बुलबुले को रख लेते हैं तो हवा के बुलबुले को रखने की वजह से क्या होगा? हवा के बुलबुले को रखने की वजह से यहाँ पे जो भी आपकी लाइटरी होगी वो आपकी क्या होगी? वो आपके हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाती है। और यहाँ पे ये जो आपका मिरर होगा, ये जो आपका लेंस होगा, ये जो आपका पानी का बुलबुला हो, हवा का बुलबुला होगा, ये एक अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन, कई बार हम इस है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि मैम ये जो वाटर बबल है क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पानी के आस पानी से कम हो जाता है, इसी वजह से वो एक कनकेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है बेटे, वॉट इज द मॉलिक्यूलर नेम फॉर एस्पिरिन, अ पेन रिलीवर? बताओ। चलो, जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन उसका मॉलिक्यूलर नेम क्या हो जाता है? एस्पिरिन का मॉलिक्यूलर नेम मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, मिथाइल सैलिसिलेट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या फिनाइल सैलिसिलेट। काफी ज्यादा क्लोज आंसर्स दे दिए, लेकिन अगर आप इसका फर्स्ट नाम जानते होगे तो आपको ये आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर, क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन का आंसर सही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो बेटा। इसका आंसर भी मत करना प्लीज। देखो, यहाँ पे अगर हम एस्पिरिन की बात करते हैं, इसको एएसए कहा जाता है, एस्पिरिन को एएसए कहा जाता है, यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा बेटा? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्टेनलेस स्टील इज अ नॉन मैग्नेटिक ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ विच एलिमेंट्स इन द एलॉय? बताइए, मिश्र धातु में किन तत्वों के संयोजन के कारण स्टेनलेस स्टील और गैर स्टेनलेस स्टील गैर चुंबकीय हो जाती है? कौन सा ऐसा पदार्थ है? देखो, स्टेनलेस स्टील की यदि हम बात करते हैं
तो इसके अंदर हम बेसिकली आयन का इस्तेमाल करते हैं। जब आयन मैम इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है तो फिर तो मैडम इसके अंदर क्या होना चाहिए, चुंबकीय गुण होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो चुंबकीय गुण नहीं होता है। आप अगर जानते हो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक नॉन मेटल भी मिलाते हैं बहुत ही कम परसेंटेज में इसको हार्डनेस प्रदान करने के लिए। तो आप हमको ये बताइए कि ये जो स्टील है ये चुंबकीय क्यों नहीं होता है? जल्दी से बताएंगे, कार्बन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम या फिर निकल? और सोच लो, हो सकता है निकल आंसर आ जाए, हो सकता है निकल आंसर आ जाए। ठीक है, हाँ निकल कर दिया ना आंसर, बहुत बढ़िया, बस यही चाहती थी मैं। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन? आपने आंसर सही दिया था, क्रोमियम आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्रोमियम मिलाया जाता है, निकल नहीं मिलाते हो आप बेटा उसके अंदर। दूसरी चीज़ फिकोनिकोजन, अगर मैं इसमें बात करूँ ना, ये जो फिकोनिकू है, ठीक है फिकोनिकू, ये जो फिकोनिकू है यानी कि फेरस कोबाल्ट और निकल और कॉपर, अगर मैं इसमें से भी फिकोनी की बात करूँ, फिकोनी, ठीक है, तो ये फेरस कोबाल्ट और निकल, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है बेटा, ये तीनों तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले हैं, और अगर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हैं तो फिर इसके अंदर निकल अगर डालोगे तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो तो अट्रैक्शन करेगा। लेकिन अगर आप क्रोमियम डालते हो तो क्रोमियम में कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, कार्बन का मैंने इसलिए बताया था क्योंकि कार्बन इज रिलेटेबल फॉर या रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस के लिए कार्बन रिस्पॉन्सिबल होता है और बहुत ही कम मात्रा में डाला जाता है, 0.5% के आसपास आप कार्बन को डाल। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोगैस प्लांट, बताइए इसमें से कौन सा जो है बायोगैस प्लांट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है? फर्मेंटेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन या पॉलीमराइजेशन, यानी कि बायोगैस के जल्दी से बताएंगे, फर्मेंटेशन या गंगा कैरनिया? ठीक है, बिल्कुल सही, फर्मेंटेशन का सही आंसर बन। आप क्या कह देंगे कि मैम जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं ना उनके होता है किण्वन किया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा जो हमारे बायोगैस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हम बायोगैस का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेड फास्फोरस इन द प्रोडक्शन ऑफ सेफ्टी मैचेस? भैया जो आप दिया साला इस्तेमाल करते हो उस पर जो रेड फास्फोरस है उसका क्या काम है, जल्दी से बताएंगे रेड फास्फोरस का क्या काम होता है? प्रियांशु सही है बेटा, हाँ ओके। यहाँ देखो,
इट शोज फॉस्फोरेसेंस नहीं, इस कारण फॉस्फोरेंस इस वजह से देखो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इट इज लेस रिएक्टिव देन अदर वेराइटीज ऑफ फॉस्फोरस, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये क्या होता है, ये अदर वेराइटीज ऑफ फॉस्फोरस से कम रिएक्टिव होता है. नेक्स्ट आ जाता है इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वाइट फॉस्फोरस ऑन हीटिंग, इसको हम क्या नहीं कर सकते, हम वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हीट करने पे. और लास्ट आ जाता है इट डज नॉट रिएक्ट विद हेलोजन ऑन हीट, गर्म करने पर. देखो नॉर्मली जो फास्फोरस होता है, अगर उसमें भी मैं व्हाइट फास्फोरस की बात करूं, बेटा मिक्स मिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस है, जैसे ये वाला चैप्टर जो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से है, जब हम बेसिक पढ़ाई कर रहे होते हैं उसकी, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेड फॉस्फोरस की, तो रेड फॉस्फोरस क्या है बेटा, ये लेस रिएक्टिव होता है इसके मुकाबले व्हाइट फॉस्फोरस. व्हाइट फॉस्फोरस को ठंडे जल में रखना पड़ रहा है ना, तो इस वजह से क्या है, इस वजह से जो रेड फॉस्फोरस है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, इसी वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस आदि को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखो, इन वेल्डिंग गैस विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर्स इज यूज, बताइए वेल्डिंग गैस के अंदर इनमें से कौन सी गैस का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है, एसिटिलीन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्या आंसर कर दोगे आप, क्या कहेंगे कि मैम जब हम वेल्डिंग गैस के इस्तेमाल करते हैं, मतलब वेल्डिंग गैस का मतलब क्या है कि जिस जिन गैसेस की मदद से हम वेल्डिंग करें, और जब हम वेल्ड करते हैं ना, हमको दो नोजल्स मिलते हैं, एक में होता है एसिटिलीन, दूसरे के अंदर होता है बेटा क्या, दूसरे के अंदर होता है हमारे पास ऑक्सीजन. ये जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ना बर्निंग में मदद करता है, ठीक है. अच्छा तो आंसर क्या हो जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मैम आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी. लेकिन आप लोग ये आंसर कैसे कर रहे हो, एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन. बेटा देखो ना, सिंपल सी चीज है, आपको अगर कोई चीज वेल्ड करनी है, तो वेल्ड करने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता है, वेल्ड करने के लिए आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी जलाने वाली गैस की. और कौन सी है जलाने वाली गैस, बेटा हमारी प्राणवायु है ना, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन. तो इस वजह से ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो होते हैं ना, ये दोनों मिला के क्या करते हैं बेटा, ये दोनों मिला के आप लोगों के लिए देते हैं क्या भैया, वेल्डिंग गैस, ठीक है. चलिए, रबर कैन बी हार्डन बाय एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स टू द वल्कनाइजेशन प्रोसेस, बताइए रबर को जब हमें हार्डन करना होता है, तो इनमें से कौन से प्रोसेस के द्वारा हम रबर को हार्डन कर सकते हैं. सल्फर, कितना परसेंट सल्फर, जल्दी से बताएंगे कितना परसेंट सल्फर इस्तेमाल होगा. आप लोग कहेंगे कि मैम जो वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया होती है, इस वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया में जो भी अपन के रबड़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मेरे पास ये मान लो रबड़ का मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके ना इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्रेकिंग होती है, ठीक है. जब इसकी ब्रेकिंग जल्दी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको 5% सल्फर के साथ गर्म कर देते हैं. जब हम इसको 5% सल्फर के साथ गर्म कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारे रबड़ के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में ना हल्के हल्के से बॉन्ड्स बन जाते हैं, किसके, सल्फर के, जिसकी वजह से क्या होगा, अब भाई साहब इसकी जो इम्प्रोवाइज प्रॉपर्टी हो जाएगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, वल्कनाइज रबड़ बोलेंगे. और यहाँ पे सल्फर का उपयोग होता है वल्कनाइजेशन के लिए, किसका उपयोग होगा बेटा, वल्कनाइजेशन के लिए सल्फर का उपयोग हो जाता है. नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द विच सिस्टम इन द बॉडी डस बर्टिन्स कॉलम बिलोंग टू, बताइए बर्टिन का जो कॉलम है या बर्टिन का जो काय है, वो हमारे शरीर के कौन से भाग से संबंधित है, बर्टिन्स कॉलम, क्या आंसर कर देंगे भैया. पहला है यूरिनरी सिस्टम, दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम, तीसरा है आपका एलिमेंट्री सिस्टम, चौथा आ जाता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हाँ 5% बिल्कुल सही. फाइव परसेंट, ठीक है गोलू भगत, बहुत बढ़िया. अर्श ठीक है, क्या आंसर कर दोगे
आप लोग कहेंगे कि मैम देखो बर्टिन्स कॉलम जो होता है ना, ये हमारी किडनी का एक पार्ट हो जाता है, ठीक है? किसका पार्ट है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ किडनी। और जब ये किडनी का पार्ट है तो मैम किडनी हमारे कौन से सिस्टम में आती है? यूरिनरी में आती है, यस मैम। लिम्फेटिक में आती है? नो मैम। एलिमेंट्री में? नहीं। रिप्रोडक्टिव में? नहीं। तो यूरिनरी या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका सही आंसर हो जाता, ठीक है? क्या हो जाएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्टोली सेल्स आर लोकेटेड इन विच एरिया इन ह्यूमन बॉडी। भैया सर्टोली सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? देखो इस तरीके से कभी कभार कुछ कंपोनेंट्स मतलब बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर जो सब ऑर्गन्स होते हैं उसका नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं हर्ष, वो अगर आपको नहीं आता या ऐसा मत सोचो कि आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो यार शिट, और भी तो बच्चे हैं ना, उन्होंने भी पक्का ये गलत ही किया होगा, ठीक है? टेंशन मत लिया करो, अच्छे से प्रैक्टिस किया करो बस। यहाँ देखो सर्टोली सेल्स की बात करते हैं, ये ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट हो जाते हैं। और जब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है तो किस में आ जाएंगे? टेस्टिस के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं बेटा? टेस्टिस का ये पार्ट हो जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बताइए इनमें से कौन सा जीवित जीवों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? क्या आंसर करते हैं? मोनेरा, एल्ब्यूमिन, प्रोटेस्टा या फंगस? मोनेरा, एल्ब्यूमिन, प्रोटेस्टा या फिर फंगस, क्या आंसर कर दोगे? आप कहेंगे कि मैम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब हम कैटेगरी की बात करते हैं तो जो एल्ब्यूमिन है ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है? तो एल्ब्यूमिन जो है वो जीवित जीव नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कंपाउंड, ओके? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंगस ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच व्हाट डू वी नेम फ्लावर्स इनर मोस्ट पार्ट? अच्छा, प्लांट्स का जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम इनमें से क्या कह सकते हैं? स्टेमन, पिस्टल, पेटल्स या सेपल? ये तो हलवा सवाल हो गया, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बी बी बी, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रियांशु, हर्ष, गंगा, बहुत अच्छे बेटे, क्या आंसर कर दोगे? फूलों के अंतरतम भाग को क्या हम क्या कहते हैं? स्टेमन, पिस्टल, पंखुड़ी या सेपल्स? आंसर कर देंगे कि मैम जो फूलों के सबसे अंतरतम भाग होते हैं उनको हम लोग पिस्टल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टल्स, मतलब कौन से वाला पार्ट? ये वाला जो पार्ट हो जाता है, ठीक है, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक जी, ध्यान रखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ हाँ अभी तो पढ़ाए थे, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन लिविंग क्रिएचर्स विच इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस? बताइए इनमें से कौन सी विरासत की एक इकाई हो जाती है? विरासत की एक इकाई निम्न में से कौन सी है? न्यूक्लियोलस है, गुणसूत्र है, जीन है या सेल है? न्यूक्लियोलस है, क्रोमोजोम है, जीन है या सेल है? हाँ चलिए जल्दी से बताइए। जीन, 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 बहुत सही, बिल्कुल सही। जीन क्या हो जाता है बेटा? तीन तीन कोडोन्स होते हैं बेसिकली, जो आपके डीएनए का क्रिएशन करते हैं। डीएनए से क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमोसोम से आपका न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस से आपका पूरा सेल बन जाता है। तो यहाँ पे जीन क्या हो जाता है आपकी? ये आपकी एक छोटी इकाई हो जाती है, जो क्या है? जो आपके डीएनए का एक पार्ट हो जाती है, जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे लेके जाती है। इन विच ईयर द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वॉज डेवलप्ड इन द लैब? बताइए लैब के अंदर पहली बार एक जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो बनाया गया था वो कौन से वर्ष में उत्पादित किया गया था? क्या आंसर कर देंगे? आप क्या कहेंगे कि मैम ये जो काम था ये 1973 के अंदर हुआ था, ठीक है? कब हुआ था बेटा? 1973 के अंदर हम लोगों ने पहली बार एक जीएमओ को उत्पादित किया था। ना ना ना, 81 नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए क्लोनिंग प्रोसेस? डीएनए की जब क्लोनिंग करी जाती है तो इनमें से क्या प्रोसेस का उपयोग किया जाता है? देखो डीएनए क्लोनिंग का मतलब क्या है? आपने डीएनए को कॉपी किया है, ठीक है, तो उसके अंदर इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? पहले फ्रेगमेंटेशन किया जाएगा, फिर उसको लाइगेट किया जाएगा, मतलब उसको किसी और के साथ जोड़ा जाएगा, फिर उसका ट्रांसफेक्शन किया जाएगा, यानी उसको अभिकर्मण किया जाएगा, और चौथा आ जाता है ऑल ऑफ दीज। नहीं बेटा, ये वाला आपका स्टेट एग्जाम का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था करण, तो वैसे कई बार पूछ भी लेता है, नॉट ऑलवेज, लेकिन यस कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, देखो सबसे पहले डीएनए क्लोनिंग जब आपको करनी है तो भाई इतना बड़ा सा डीएनए है,
ठीक है, और हमको क्या बनानी है, डॉली भेड़ बनानी है। तो जब हमको डॉली बनानी है, मतलब कुछ भी एक डीएनए से कॉपी करके कुछ और बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पहले डीएनए का कितना फ्रैगमेंट आपको लेना है, कितना सेक्शन आपको लेना है, आप पहले बोलोगे। जैसे मान लो आपको इतना डीएनए चाहिए, तो अब आप इसको पहले क्या करोगे, पहले इसको कट करोगे, ठीक है। कट करके फिर आपको इसकी जब क्लोनिंग करनी है, जहाँ इसको दूसरी जगह बाइंड करना है वहाँ पे इसको बाइंड करोगे, और बाइंड करने के बाद फिर आप इसको क्या करोगे, आप इसको आगे फर्दर के प्रोसेस, ट्रांसफेक्शन के प्रोसेस में लेके जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तीनों ही चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सभी क्या है, इसके स्टेप्स हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेलानोरिया। मिलेनोमा, ठीक है, जिसको हम स्किन कैंसर कहते हैं बेटा, यह क्या है, इनमें से किसके किसके कारण हो सकता है मिलेनोमा। मिलेनोमा मतलब आपकी जो त्वचा का मेलेनिन है उससे रिलेटेड ये रोग है, यानी कि त्वचा का कैंसर हो जाता है। तो मेलेनोमा जो होता है यह त्वचा का कैंसर किससे संबंधित हो जाता है? इंजीनियरिंग हो गए, बायोलॉजी पढ़ना पड़ रहा है। ओहो, तो क्या ही कर सकते हैं बेटा, ये तो हमारी मजबूरी है, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें जीवन में करनी पड़ती हैं, डिस्पाइट हम वैसा नहीं चाहते हैं, फिर भी हमें करनी पड़ती हैं वैसी वाली चीज़ें, ठीक है। तो टेंशन ना लिया करो, ठीक है, जीवन में कभी कभार कुछ कुछ चीज़ें होती हैं और उनके हमें उसी हिसाब से काम करना होता है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ, ओजोन डिप्लीशन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा मैम, अगर किसी को स्किन कैंसर हो रहा है, एसिड रेन या एलर्जेंस के कारण नहीं होता है, वो ओजोन डिप्लीशन की वजह से क्या होगा, ओजोन डिप्लीशन की वजह से आपके सेल्स के अंदर म्यूटेशन होगा, सेल्स का ज्यादा फॉर्मेशन होगा, या और ये म्यूटेशन के कारण होता है। बेसिकली जो ऑन्कोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी कैंसर की स्टडी होती है, कैंसर स्टडी होती है, और ये कैंसर स्टडी हमको क्या बताती है कि यहाँ पे जो भी सेल्स हैं, सेल्स का अनकंट्रोलेबल डिवीजन, डिवीजन कब स्टार्ट होता है, जब यहाँ म्यूटेशन हो जाए, ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, ऐसे चेंजेस आते हैं उसको पता ही नहीं चलता उसको कब रुकना है अपना डिवीजन, और इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से इंसान को कैंसर हो जाता है। तो यहाँ पे ना ओजोन लेयर का डिप्लीशन की वजह से यूवी रेज आ रही हैं और वो स्किन को कैंसर कर देती है, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोसफेयर। हमारे एटमोसफेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इनमें से कौन सा एक प्राइमरी कॉज हो जाता है? री एमिशन ऑफ, मतलब एटमोसफेयर एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी कि हमारी एटमोसफेयर ने क्या किया, उसने अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उनको वापस ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। दूसरा देखो, एटमोसफेयर एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ इंफ्रा रेड रेडिएशन, आप बताइए क्या इंफ्रा रेड रेडिएशन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा? कहोगे नहीं मैम। नेक्स्ट देखिए, एटमोस्फेरिक एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ विजिबल लाइट, बेटा विजिबल लाइट से कब से फर्क पड़ने लगा? नेक्स्ट देखो, नन ऑफ द अबव, क्या आंसर कर दोगे आप लोग? कहेंगे कि मैम री एमिशन अगर हम करते हैं किस चीज का, यूवी रेज का, तो यूवी रेज की वजह से क्या होता है कि हमारे ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, और उसी ओजोन लेयर डिप्लीशन के कारण हमको बहुत सारे रोग भी देखने को मिल जाते हैं। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये व्हाट अमाउंट डज मोमेंटम मेजर इन आर बॉडी, बताइए किसी पिंड में मोमेंटम कितनी मात्रा को मापता है? कभी भी अगर हम मोमेंटम की बात कर रहे होते हैं, हम क्या कह देते हैं, मोमेंटम इज द मेजर ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, किसी वस्तु के अंदर कितना मास है और उसकी वजह से कितना वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो अब हमको ये बताना है, अब हमको ये बताइए कि ये जो मोमेंटम होता है ये किसी पिंड में किस चीज को दर्शा रहा है? हाँ, अब ये इंजीनियर वाले बच्चे को तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग फिजिक्स के साथ साथ आपने सारी चीजें पढ़ी है। तो चलो जल्दी से बताइए कि मोमेंटम किस चीज को मेजर करता है? बीबीबी, वेलोसिटी को? नहीं बेटा, गलत कर दिया ना। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये जो मोमेंटम है,
ये वेलोसिटी को मेजर कर रहा है, आपको डायरेक्टली यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी किस चीज़ की वजह से हो रही है, मतलब वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा होगा इंसान वस्तु में? आप कहोगे मैम वो जो वस्तु है उसमें मोशन आ रहा होगा, ऐसा नो? तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? सी होगा, सी होगा, वेरी गुड भाई, इंजीनियर ने लाज रख ली अपनी, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या होता है बेटा, कि जब भी हम मोमेंटम की बात करते हैं ना, तो मोमेंटम इज द मेजर ऑफ द मोशन इन द बॉडी, किसी वस्तु के अंदर कितनी गति है, ठीक है, उसका जो मेजरमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, उसी को हम लोग मोमेंटम कह देते हैं, ठीक है। ये तो हमको दिखाने का तरीका है कि ये जो मोमेंटम है इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें मैथमेटिकली तो कैसे करेंगे, कोई भी जो वस्तु है उसके अंदर जितनी वेलोसिटी है उससे उसका क्या आया, उससे उसका उससे उसका क्या हो जाता है, मोशन हो जाता है। बेटा फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ी थी ना बेटा, मोमेंटम पढ़ा था आप लोगों ने उसमें, है ना, फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा या सेकंड सेम में पढ़ा होगा, और उसके बाद थर्ड सेम में पढ़ा होगा पक्का, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोशन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिमाग में आपके चीज़ें आ रही होंगी कुछ कुछ, ठीक है, कौन कौन सी कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ कि मैम जो क्लासेस चल रही हैं वो क्लासेस कहाँ चल रही हैं? तो बेटा अपनी जो ज़्यादातर क्लासेस वो चल रही है एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप में से जो भी बच्चा है जो CDS की तैयारी करना चाहता है, आप लोग अपने CDS के अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो अपने एप्लीकेशन। दूसरी चीज़ आ जाती है कि मैम अगर हम लोग जो है मतलब अच्छे से जुड़ना चाहें तो हम क्या कोई और तरीका भी है, या हम CDS में मार्क्स अच्छे पाना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है? तो बेटा देखो मैं एक छोटा सा सोल्यूशन बता रही हूँ आप लोगों को, और वो छोटा सा सोल्यूशन क्या है कि आप लोगों को ना 22 जुलाई रात को 8:50 क्या करना है, आप लोगों को अपने इसी चैनल पर आना है टैप टू क्रैक पे, और वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, 22 जुलाई आज ही है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि आज आपको क्या करना है, आज आपको रात को 8:50 पे आना है और इस सेशन के साथ जुड़ना है। अभी आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से जाके और सेशन को लाइक भी कर देना, ठीक है, और साथ साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना कि भैया एक बहुत जरूरत ज़्यादा ज़रूरी सेशन आने वाला है। इवन अगर आप इस सेशन का टाइटल देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ही होने की संभावना है यहाँ पे, है ना, आप कैसे जो है अपने CDS के मार्क्स को अच्छा कर सकते हो, ठीक। सिंपल सी चीज़ है ना, कई बार होता है ना हम एक आधा मार्क्स से रह जाते हैं, बहुत दुख होता है सबको होता होगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम उस एक आधे मार्क्स का जो हर बार का वो होता है ना परेशानी होती है, हम उससे छुटकारा पा सकते हैं अगर हम इस सेशन से जुड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, यस, आज 8:50 पे हमें रणधीर सर के साथ लाइव आना है, कहाँ, अपने इसी चैनल पे, और जाके इस इवेंट को लाइक करना है हर एक बच्चे को, ठीक है। कर दोगे ना, इतना काम तो कर दोगे अपनी मैम का, ठीक है। चलिए तो सभी बच्चे इसके साथ मतलब इस सेशन में ज़रूर जुड़ने वाले हैं, और इसके साथ साथ जो आप लोग यहाँ पे आप लोगों को जो चीज़ें समझ में आई हो बहुत बढ़िया बात है, और इसके अलावा जो हमारा CDS का बैच है, CDS बैच है जिसके अंदर आपको मैथ्स इंग्लिश और GS तीनों चीज़ें पढ़ाई जा रही है, मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस GS तीनों चीज़ें जो कराई जा रही है, आपको 999 में मिल जाएगा आपका कोर्स, ठीक है, जहाँ पे आपको PDF के साथ साथ एकदम टारगेटेड तरीके से पढ़ाया जा रहा है जो भी इम्पॉर्टेंट है पेपर के, ठीक है। और दूसरा, अगर आप मैथ्स मतलब अगर आप नेवल अकेडमी वगैरह नहीं जाना चाहते, एयरफोर्स अकेडमी या सिर्फ OTA में जाना चाहते हो, तो CDS OTA बैच भी है आप लोगों के पास, जिसमें आपको इंग्लिश और GS की तैयारी कराई जा रही है, और यहाँ पे आपको 749 के अंदर अपना बैच मिल, ठीक है। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं, मतलब अगर आपने का टारगेट है CDS में जाना, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बैचेस है, ठीक है। तो अब आई जस्ट होप सो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई, सेशन अच्छा लगा हो शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट सेशन में। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो आज रात वाले इवेंट में जाना है आपको, इसके अलावा फिर रात को 9 से जो है ना आप लोगों के लिए CDS के प्रैक्टिस सेशंस हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, तो आपको उसके साथ भी जुड़ना है। एंड कल सुबह 9 आप लोगों के लिए CAPF की एक और मैराथन है GS की, ओके, मतलब जनरल नॉलेज की, जहाँ पे रामेंद्र सर आपको जो है कराएंगे CAPF के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फिर आज एक काम करते हैं, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टैप टू क्रैक।